आफ्टर 2 वीक्स भी होमवर्क नहीं किया है. 1, 2, 3 और 4 और तुम्हारा डन है अभिषेक? झूठ बोल लो तुम. ये 4 लोग भाई होमवर्क क्यों नहीं कर रहे? कॉपी ले गया दोस्त. अच्छा, गुड 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 रीजन. ये रीजन हम क्लास 12th में सीखे थे. बहुत सही रीजन. और तुम थे नहीं. ये रीजन हमने क्लास 8th में सीखा था. और तुमने क्यों नहीं किया ग्रीन शर्ट? क्या है? कंप्लीट हो गया. अच्छा, होमवर्क किया है सबने. बात बता दो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है टुवर्ड्स दी एवरी डिजीज. वेरी गुड, गुलाबी इन ग्रेप्स सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है अगेंस्ट कितने डिजीज के अगेंस्ट है? पाउडी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और एक और है, एक और है. हाँ, पीएस पीएस डिजीज. ध्यान रखना यार, गुलाबी वैरायटी जो है ना बहुत गजब की वैरायटी है. डिजीजेस के बहुत अच्छे अगेंस्ट रेजिस्टेंट देती है गुलाबी वैरायटी. बेटा ग्रेप में बता रहे हैं, सिट्रस में नहीं. ठीक है, चलो यार सिट्रस को कंटिन्यू करेंगे. क्या क्या लिखा दिया था लास्ट में सिट्रस में? पमेलो में क्या लिखवाया था? चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अरे यार कितनी क्रॉप हो गई? 5 वर्षीय, पंचवी, क्या बोला तुमने? पंचवी. सरकार गिरने वाली है. अच्छा अच्छा, पहली क्रॉप थी मैंगो, दूसरी बनाना, तीसरी पपाया, जैक फ्रूट, फिर ग्रेप्स, फिर ठीक है बेटा, हम 6 क्रॉप पढ़ रहे हैं. और तुम लोगों को चार्ट पेपर नहीं दिखाया ना मैंने कोई? पिछले साल देखा है. ठीक है, कोई नहीं, अगले बार हम कुछ लेकर आएंगे, उसको देखना और समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है बेटा, हमने पढ़ाया था इसमें, हम पढ़ रहे थे पमेलो. पमेलो हमने लिखा था, क्या लिखा था? एंसेस्टर ऑफ ग्रेप फ्रूट, ये था ना एंसेस्टर ऑफ ग्रेप फ्रूट. एंसेस्टर का क्या मतलब होता है? पूर्वज, पूर्वज है ना. ग्रेव जो पमेलो है, पमेलो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? क्या लगता है क्या प्रॉब्लम है पमेलो में? पमेलो चकोतरा जो है, चकोतरा में दिक्कत क्या है खाने के टाइम? क्या दिक्कत है? नंबर वन, उसका रिंड बहुत मोटा है. ये अगर पमेलो है और इतना फ्रूट है तो इतना मोटा इसका रिंड है. ये देख लो, ये पूरा रिंड है, RIND रिंड है, वाइट वाइट कलर का रिंड है ये. ठीक है, तो छीलने में बहुत प्रॉब्लम है इसको. ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हो जूस भी कम होता है. तो पमेलो का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है, एक अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव है क्या? ग्रेप फ्रूट. इसलिए पमेलो को एंसेस्टर कहा जाता है. किसका? ग्रेप फ्रूट का. नेक्स्ट हेडिंग डालो, ग्रेप फ्रूट. ग्रेप फ्रूट यही हेडिंग है, ग्रेप फ्रूट. नहीं, इसमें पमेलो में नागपुर चकोतरा वैरायटी का नाम है, नागपुर चकोतरा. बस चकोतरा जहाँ लिखा हो वो पमेलो है. ठीक है, अब डालो ग्रेप फ्रूट. इसको कहा जाता है ब्रेकफास्ट फ्रूट, याद रखना. ब्रेकफास्ट फ्रूट, ब्रेकफास्ट फ्रूट. और इसका एक और दूसरा नाम है फॉरबिडन फ्रूट.
फॉरबिडन फ्रूट किसका? ग्रेप फ्रूट का. और ग्रेप फ्रूट में जो बिटरनेस होती है वो होती है इसकी वजह से, बिटरनेस. नारंजिन की वजह से, कड़वाहट जो ग्रेप फ्रूट में है वो इस कंपोनेंट की वजह से है. ठीक है, ग्रेप फ्रूट की वैरायटीज लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है. नंबर वन है स्टार रूबी. स्टार रूबी. नंबर टू डंकन. डंकन. ट्राइम्प. इस बार वैरायटी लिखा रहे हैं, अगली बार से कोई वैरायटी नहीं लिखाऊंगी. फॉस्टर. थॉमसन. उससे पहले फ्लेम और फिर थॉमसन. याद रखना एक ग्रेप, ग्रेप में थॉमसन सीडलेस था. किसके अगेंस्ट, किसका ससेप्टिबल था सबसे ज्यादा? थॉमसन सीडलेस किस डिसऑर्डर के ससेप्टिबल था? पिंक बेरी. ठीक है, नेक्स्ट ये वैरायटीज हो गई इसकी. ठीक है, आज नेट चल रहा है, नेट चल रहा है, नेट नेट नेट. बेटा आज हम देखेंगे फिगर्स थोड़े से, जो कल देखते देखते चलना था लेकिन कल नेट नहीं चल रहा था. ठीक है, क्योंकि मुझे पता तुम लोगों ने घर जाके फिगर्स भी नहीं देखे होंगे ना. देखे किसी ने ये जो लिखवा दिए क्या है? उसको गेट को बंद कर लो, उस पर पहले पर्दा डाल दो. ठीक है बेटा, थोड़ी दिन देर के लिए सहन कर लो. देखो ये मैंडरिन, मैंडरिन की क्या विशेषता थी? लूज जैकेट था, इजिली पील हो जाता, ये खाया होगा सबने. ठीक है, अब कल एक बात करते कीनू की. ये नहीं खाया कीनू? ये खाया होगा? हाँ, ये नहीं पता है कि ये कीनू है. देख सकते हो ये कीनू है, करेक्ट? ये मार्केट में देखा होगा तुम लोगों ने, इजीली पील हो जाता है. हाँ संतरे की तरह. बेटा संतरा भी क्यों संतरा है? संतरे को संतरा क्यों बोल रहे हो? ठीक है, ये देखो कीनू एंड ऑरेंज का यहाँ डिफरेंस भी है, और गलत लगाया डिफरेंस, गलत लगाया उन्होंने, ये गलत लगाया है, स्वीट ऑरेंज लगा रखा है. ये है कीनू. ठीक है, और है खांसी. ये देखो खासी ऑरेंज. ठीक है, बातें ना करो, भगा दूंगी तुम्हें. मौसम्बी.
मौसमी क्या है? स्वीट ऑरेंज है, टाइट स्किन्ड है, ये छिलता नहीं है इजिली, ये तो देखा है मौसम्बी, ठीक है ना। इसी में हमने एक कल्प क्या पढ़ा था, ये देखो ये भी छिलता नहीं इजली, इसका भी जूस निकाला जाता है काट के। माल्टा, ये क्या है? ये भी क्या है? स्वीट ऑरेंज है, मौसम्बी की तरह ही है, उसी के ग्रुप का एक वैरायटी का नाम है। एक जैसे नहीं होते, अगर रियल लाइफ में देखोगे तो समझ में आ जाएगा एक्चुअली में डिफरेंस है सब में। ये देखो ये रेड माल्टा है, ये भी मार्केट में होता है, ठीक है। अब लेमन और लाइम सब एक जैसा है, स्वीट लाइम पमेलो देख सकते हो, उसका रिंड कितना मोटा है, ये देखो ये छिलता नहीं है बहुत इजीली, इसको छुरी से इतना काटा जाता है, इतना काटा तब जाके इसके तुम पल्प तक पहुंच पाते हो, और इसके पल्प के बीच में भी जो इसकी कवरिंग होती है वो भी बहुत हार्ड होती है। हाँ ये है चकोतरा, और ये बड़ा भी बहुत होता है, देखो इतना बड़ा बड़ा होता है, लमसम इतना बड़ा बड़ा होता है। ये क्या है? पमेलो। क्या हुआ? तुमने नजर लगा दी ग्रेपफ्रूट पमेलो इसका क्या है? एंसेस्टर ग्रेपफ्रूट, यही क्या है? ब्रेकफास्ट फ्रूट। इमेज दिखा रहे हैं ताकि कुछ तो दिमाग में जाए, या मेरे से कोई दुश्मनी है क्या? क्योंकि उस पर एफ लिखा है, फैन। देखो ग्रेपफ्रूट, ठीक है, किसका एंसेस्टर है? इसका एंसेस्टर पमेलो। ओके इतना हो गया। अब डालो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, अच्छा कल संडे इसलिए तुम लोग को इतनी आ रही है ना, कल संडे, कल छुट्टी का दिन है ना, हॉर्टिकल्चर की नहीं है। ओके गेट खोलो, खोलो खोलो,
क्या तुम लोग पार्क में टहलने आए हो क्या? हैं? What is difference between a disorder and a disease? बेटा मुझे सुनाई देना चाहिए, सही से बताओ डिसऑर्डर और डिजीज में अंतर क्या है? तुम बहुत महीनों से पढ़ रहे हो ना मेरे से? बैठो, अच्छा तुम बताओ, ब्लू शर्ट लास्ट, डिसऑर्डर डिजीज में अंतर क्या है? फॉर एग्जांपल तो फंगस बायोटिक है कि ए बायोटिक है? बायोटिक है, तो बायोटिक से क्या होगा? तो ये सब डिजीज हो गए, ठीक है? और डिसऑर्डर किससे होगा? ए बायोटिक से, ए बायोटिक फैक्टर जैसे कि किसकी कमी से? तत्व, मतलब कि न्यूट्रिएंट की कमी से। ओके वेरी गुड। और खैरा डिजीज होता है, वेरी गुड। और हैन एंड चिकन डिसऑर्डर होता है ग्रेप में, ठीक है ये तो न्यूट्रिएंट हो गया। और कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? बैठो तुम बताओ आगे, तुम बताओ रुचि आगे, इसके और क्या क्या हो सकता है? टेम्परेचर हो गया, और टेम्परेचर से कोई एक चीज़ बताओ जो इफेक्ट हो रही है। माल फॉर्मेशन, वेरी गुड। तुम बताओ लास्ट, और टेम्परेचर से और क्या क्या इफेक्ट हो रहा है? हाँ हाँ, माल, मैंगो माल फॉर्मेशन इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द टेम्परेचर। नहीं लिखवा है, यही लिखवा है ना? और एक न्यूट्रिएंट की कमी से होगा, तो वो सॉइल, हाँ स्पॉन्जेस जो डिसऑर्डर, ठीक है वो हो गया। और बताओ कोई और फ्रूट में बताओ। पिंक बेरी फॉर्मेशन किसमें? ग्रेप में। किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और बनाना में कोई, बनाना में कोई क्या लड़ाई कर रहे हो? गूस फ्लैश, गूस फ्लैश किसकी वजह से था?
अरे पढ़ पढ़ के कोई नहीं बताएगा, चुप अभिषेक अब तुम शांत रहना, तुम नहीं बताओगे कुछ। गूस फ्लैश से क्या हो रहा था? गूस फ्लैश क्यों क्यों हो रहा था? गूस फ्लैश, अच्छा गूस फ्लैश तुम लोग बताओ, आगे रोके चारों, गूस फ्लैश पहले बताओ किस क्रॉप में हो रहा था? बनाना में। किसकी वजह से हो रहा था? कौन सा टेम्परेचर कम की ज्यादा, दोनों डिसाइड करो सहेलियां। पहले कम हो रहा था तो क्या हो रहा था कम होने से? टेम्परेचर ब्लैक क्या पड़ रहा था? ब्लैक स्पॉट पड़ रहे थे। कहां पड़ रहे थे? फ्रूट के पल्प पे पड़ रहे थे कि पील पे पड़ रहे थे? पील पे पड़ रहे थे, उसी को चिलिंग इंजरी भी कहते हैं। बनाना किस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए? 13 डिग्री पे, 13 डिग्री पे। चलो टेम्परेचर की बात होगी, न्यूट्रिएंट की बात होगी, और कुछ बताओ। पानी से बताओ, वाटर से क्या होगा? तुम बताओ, बीच शांत रहो, तुम लोग बताओ बीच वाले। तुम वाटर भी तो एबायोटिक फैक्टर है ना, तो वाटर से क्या इफेक्ट आ रहा है? तुम बताओ लास्ट, वाइट तुम ही बताओ। हाँ तुम, वाटर से क्या इफेक्ट आ रहा था? वाइट जिसने कैप पहनी है। हाँ मैंगो छोड़ो, पपाया का सोच के बताया यार, बहुत तगड़ा एक इफेक्ट था वाटर की वजह से। पपाया में एक बहुत तगड़ा है कुछ वाटर की वजह से, जल्दी बताओ। तुम बताओ रवि, डैम्पिंग ऑफ, हाँ वाटर लॉगिंग, ठीक है। एक और कोई डिजीज, फंगस, नीर वजी, वाटर वजी, ठीक है हम पपाया की बात कर रहे हैं। एक डिजीज लग रही थी जो वाटर रुक जा रहा है उसकी वजह से। फुट रॉट नहीं लिखाया था? फुट रॉट, डैम्पिंग ऑफ बेटा अलग हो गया। हाँ डैम्पिंग ऑफ मीन्स बेटा सीडलिंग में आ रहा है, 14 दिन का प्लांट है और उसमें डैम्पिंग ऑफ आया और प्लांट गिर गया नर्सरी स्टेज पे, वो क्या है? डैम्पिंग ऑफ। फुट रॉट बताया होगा कि पानी है स्टैग्नेट हो गया, तब जाके एक वायरल फंगस आ रहा है, फंगस की वजह से उसमें नीचे सड़न होने चालू हो गई है। और दोनों चीज़ें डिफरेंट करके बताई थी, तुम लोग कह रहे हो दोनों एक हैं, ठीक है? इतनी सी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? आज हम पढ़ेंगे सिट्रस के, पहला नाम है ग्रैनुलेशन, और ध्यान रखना इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तमीज से पढ़ना और तमीज से लिखना। ग्रैनुलेशन ना, तमीज का कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम बदतमीज हो, हमने ये नहीं कतई कहा है, हमारे कहने का मतलब है कि अच्छे से लिखना, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा कानपुर की लैंग्वेज में पता चले मैम हमें बदतमीज कह रही थी। ग्रैनुलेशन पहला बेटा, देख भी सकते हो इफेक्ट कैसा पड़ता है, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है क्या इफेक्ट है? कभी कभी संतरा खाते खाते ऐसा लगा कि स्टोन जैसा फिर आ गया मुंह में, संतरे में कुछ हार्डनेस थी, जूस नहीं था उस तरफ, खाया होगा संतरा, रस नहीं था यार, खराब खराब देता नहीं, तुम लेकर आते हो खराब खराब, तुम्हें पहचान नहीं है खरीदने की, ठीक है? उसी को ग्रैनुलेशन कहते हैं, याद रखना ये ग्रैनुलेशन टर्म सिर्फ और सिर्फ सिट्रस में यूज होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रैनुलेशन देख सकते हो, इस ये डिसऑर्डर मतलब है कि जूस सैक्स, मैंने बताया था कि हेरी इसका एडिबल पार्ट को क्या कहते हैं, जूसी हेयर प्लेसेंटा, अगर वो जूसी ना हो उसमें तो किसी काम का है सिट्रस नहीं है ना, तो जूस सैक्स में हार्डनेस आ जाती है, ड्राई हो जाते हैं वो,
ठीक है, और किसकी वजह से होते हैं? हायर नाइट्रोजन या पोटेशियम फर्टिलाइजर डाल दिया है, या तो लेट हार्वेस्टिंग करी जा रही है, मतलब कि फल लगा हुआ था पेड़ पे टूटने के लिए लेकिन तुमने उसको वहीं छोड़ के रखा हुआ है, या तो स्टोरेज में प्रॉब्लम है। रेजिस्टेंट वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कीनू एंड डंकन, इतना लिखो जितना रेड में किया है, बाकी कुछ मत लिखना। जूस सैक्स बिकम हार्ड एंड ड्राइंग, एक सेंटेंस बन गया तुम्हारा, बस इतना ही लिखना जितना रेड है। जूस सैक्स बिकम हार्ड एंड ड्राइंग कॉज हायर नाइट्रोजन पोटेशियम फर्टिलाइजर लेट हार्वेस्टिंग स्टोरेज पर रेजिस्टेंट कीनू एंड डंकन, बस इतनी चीज लिखो। या वो कल वो आए थे नेट वाली लड़कियां, आज दोनों नहीं आई हैं? नहीं आई हैं। तुम्हें से कितने लोगों ने एमएससी कर लिया? एमएससी कर लिया? तुमने कहाँ से कर ली? कौन से सब्जेक्ट से? सोयल साइंस से। कहाँ से? अच्छा सर, आपने भी कर लिया ना एमएससी? एमएससी नहीं किया आपने? ओके तुमने कर लिया, तुम्हें भी नेट देना होगा। और कोई है जिसने एमएससी कर लिया? बढ़िया। हमने एमएससी कर ली, हम पीएचडी करने वाले हैं, खत्म। और पीएचडी के बाद हम जाएंगे पीडीसी करने। हाँ हाँ हमारे पिताजी का कहना है कि इतनी डिग्रियाँ हासिल करो और इतनी हाई लेवल की डिग्री हासिल करो कि कोई तुम्हारे सामने जब तुम्हारे बारे में जाने तो अपना लहजा संभाल के बात करे, ठीक है? तो पीडीसी करने बाहर जाएंगे कहीं। हाँ बेटा पीडीसी पोस्ट डॉक्टरेट होती है, और पोस्ट डॉक्टरेट आप इंडिया में, अगर आपने इंडिया में पीएचडी की है तो पीडीसी हमेशा आउटर कंट्री में होती है। डिपेंड करता है हम जहाँ भेज जाएँ ना चाहें, जापान ऑप्शन है और पोर्चुगल है, अभी हाल ही में जर्मनी में भी एक वाउचर निकला, जहाँ पे वो निकलेगा वहाँ जा सकते हैं। डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे कहने को 3 साल है लेकिन डिग्री हो जा रही है 4 साल में, वैसे 2 साल है फिर 3 साल जितना लगे। अभी जो यहाँ के हैं अगले कौन सा 3-4 साल में तुम बहुत बड़ी कोई चीज़ कर लोगे, पढ़ लो। हो गया ग्रैनुलेशन? नहीं, कहाँ गया वो? हो गया ये करो। डन डन डन। तुम
तुम आगे आके बैठो पहले, जरा उठो तुम, रेड शर्ट उठो, जल्दी 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 आगे आके बैठो पहले। एक तो दिख नहीं रहा है तुम्हें, और मैम रुकिए रुकिए, आगे आके बैठो। हाँ तो दूर क्यों बैठते हो तुम, बैठो आगे। हो गया हम भी ना इन बेंचों पे बैठे हैं पहले, समझ आई बात बेटा। नेक्स्ट, लीफ मॉडलिंग, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रेंचिंग। लीफ मॉडलिंग, दिख रहा है, लीफ मॉडलिंग, और ये होती है जिंक की डेफिशिएंसी से। आजकल मेरे पौधों पे यही चीज आ रही है, ZNSO4 छिड़क दिए हैं। अब देखते हैं, शायद हट जाएगी, दो तीन दिन में ठीक हो जाएगा। लाइव दिखा देते, हमने रिकॉर्ड भी किया था, ये आने लगा मेरे। और वो पेड़ है उसका कागजी लाइम का, कागजी लाइम पढ़ाया था ना, कागजी लाइम ऐसे लाइम है, उसका पेड़ है और उस पर आ रहा है ये आजकल लीफ मॉडलिंग। बेटा देख सकते हो यही सिम्टम है, बहुत गजब का सिम्टम है ये। और लीफ मॉडलिंग, मॉडलिंग ये शब्द सिर्फ और सिर्फ सिट्रस में यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आता है, लगता है ये क्लोरोफिल वगैरह, ये बीच से हटने लगता है, येल्लो होने लगता है, और इसका एंड रिजल्ट ये है लीफ मॉडलिंग, ठीक है। बस ये देख सकते हो, और जिंक सल्फेट का स्प्रे करेंगे लीफ मॉडलिंग को निपटाने के लिए, ठीक है। तो बस इतनी सी बात लिख ली कि लीफ मॉडलिंग इज ड्यू टू जिंक डेफिशिएंसी, बस इससे ज्यादा नहीं। हो गया, हो गया, हो गया। Then, next, बेटा ये ऊपर एक्सेंथेमिया, ये नीचे लिखा है, और इसी को डाईबैक कहते हैं। एक्सेंथेमा और डाईबैक, ये होता है कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से, कॉपर डेफिशिएंसी, ठीक है। और इसके सिम्टम भी देख सकते हो, लिक्विडी वगैरह जो होता है अंदर से वो रिलीज होने लगता है, ठीक है, स्टेम्स के ऊपर। और हाँ, गम पॉकेट्स बने, गम मतलब गम, गोंद जैसा बनने लगता है ट्विक्स के ऊपर फ्रूट, और फिर वो धीरे धीरे फ्रूट पे भी आने लगता है। और इसमें बॉल्डियक्स मिक्सचर का प्रयोग करते हैं टू डिक्रीज द इफेक्ट। इतनी सी बात लिखूँ, नाम याद रखना, ये सब वो ये नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछेगा कि ग्रैनुलेशन किस फ्रूट में होता है, या वो पूछेगा कि ज़ैंथेमा ये किस फ्रूट में होता है। तुम्हारा इससे बाहर का टॉपिक नहीं है, दोनों बैच के लिए हम इसे लिखवा देते, बाय चांस पूछ लिया तो हम क्या करेंगे इसलिए। और कॉपर डेफिशिएंसी, डन,
बेटा डन। काफ़ी पिछले जो बैच के थे ना तुम्ही लोगों के, बहुत से लोगों का हो गया सिलेक्शन, पता है ना तुम लोगों, नरेंद्र देव में बहुत से बच्चों का हो गया, सीएसए में अभी वो सुधांशु का भी हुआ है, सुधांशु को डिपार्टमेंट मिला है क्रॉप फिजियोलॉजी, है ना, क्रॉप फिजियोलॉजी उसको मिला है, और मोस्ट ऑफ द बच्चों का हुआ है सब नरेंद्र देव में, सबका लाइन से नरेंद्र देव में हुआ है। तो ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं निकला, रिजल्ट बहुत अच्छा निकला, रिजल्ट बहुत तगड़ा निकला यहाँ से। ओके नेक्स्ट, येलो लीफ ऑफ सिट्रस, बस ये लिखने की जरूरत है कि मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी से होता है, और देख भी सकते हो सिम्टम, ये लीफ येलो येलो होने लगती है। अच्छा यहाँ डिफरेंस था, ये जो मॉडलिंग में था ये एक तरीके से हो रही थी, एक फिक्स पैटर्न में हो रही थी, ठीक है, और येलो लीफ में देख सकते हो तो एक तरफ से चालू हुई है और फिर पूरी की पूरी पत्ती लीफ होती जा रही है, ठीक है, ये डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि वहां पे उसने वीनस जो वेन्स थी, हाँ ये जो थी इसमें जो वेन्स थी वो ग्रीन थी, बस लैमेला उसका येलो हो रहा था, यहाँ पे वेन्स और लैमेला दोनों येलो हो रहे हैं। बस इतनी सी बात लिखो, मॉलिब्डेनम डेफिशिएंसी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये तो बहुत जल्दी लिख लेना चाहिए, हो गया ना। नेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट, जेरोस, अरे यार इसी को कहेंगे ब्लॉसम एंड ग्रैनुलेशन, अभी देख, ठीक है, इसी का एक अपोजिट होता है एंडोक्सेरोसिस, इसको कहते हैं, हाँ ब्लॉसम एंड डीके, हाँ ये होता है डिस्टल एंड में और ये होता है ब्लॉसम एंड में, देख भी सकते हो एक जगह जहां पे ट्विक लगा था वहां से सड़ना स्टार्ट हुआ है, और एक जो एंड पोर्शन था वहाँ पे सड़ना स्टार्ट हुआ है, दोनों अगर जेंडोक्सेरोसिस और जेरोसाइटोसिस ये दोनों टर्म आ जाए तो मान लेना कि वो लेमन से रिलेटेड है, ठीक है, बस इतनी सी बात लिखो, बस एक टर्म लिखना यहाँ पे जेरोसाइटोसिस लिखना, लिखना ब्लॉसम एंड ग्रैनुलेशन और यहाँ पे एंडोक्सेरोसिस, बस इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा तीनों पॉइंट लिखो, तीनों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि नीडल लाइक एंड कोलैप्स, तीनों पॉइंट लिखो। एग्रोनॉमी मेरी क्लास में, एग्रोनॉमी से तो मेरा घर चल रहा है। अच्छा अच्छा नहीं,
हाँ ठीक है। चेक कर रही है इनसे, पता भी चला रहा है। बेटा ये हो गया, ये हो गया जेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट नेक्स्ट एंडोजेरोसिस, ये वाला है ब्लॉसम एंड डिके, कॉमन इन लेमन और सेम चीज है। एक चीज ब्लॉसम एंड पे और एक डिस्टल एंड पे, और डिफरेंस बताया था पिछली बारी की ब्लॉसम एंड और डिस्टल एंड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, लिखो इस चीज को जल्दी 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 लिखो जल्दी। अच्छा एफओ वाले कैसे कर रहे हैं, उसका प्री कैसा चल रहा, प्री की तैयारी कैसे चल रही, क्यों? हाँ भगवान भरोसे। एफओ वाले कैसे चली तैयारी, तुम प्रिंस? अच्छा वो वाला पहला वाला जो तुम लोगों ने जेरोसाइटोसिस लिखा है उसको लिखो डिस्टल एंड ग्रैनुलेशन, और ये वाला होगा ब्लॉसम एंड डीके। ठीक है, ब्लॉसम एंड और स्टाइलर एंड एक ही चीज होती है। ठीक है ओके, इस चीज को कलेक्ट कर लेना, नेक्स्ट टाइम बनाने वाले ने भी पता नहीं क्या बना के भेजा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कुछ आए या ना आए, अगर उसको आना भेजना होगा ना तो इसी क्वेश्चन को बना के भेजेगा। हो गया खत्म। या ओलियोसिलोसिस, इसी को कहते हैं रिंड ऑयल स्प्लिटिंग। बेटा कभी देखा होगा बचपन में, नहीं वो आँख में मारते थे छिक्कल से, बहुत बढ़िया। मालना नहीं चाहिए, क्यों नहीं मालना चाहिए? क्योंकि उन ग्लैंड्स में ना ऑयल होता है और वो ऑयल टॉक्सिक होता है। हाँ तब हॉर्टिकल्चर नहीं पता था, वेरी गुड रीजन। तो उस ऑयल का आँख में जाना इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, क्यों नहीं गुड थिंग? यहाँ पे देख सकते हो जरा सा यहाँ पे उसको चुभ गया है हल्का सा, क्योंकि पता होगा लेमन के उसमें होते कांटे, कांटे होते हैं पेड़ पे। ठीक है, तो वो काटा इसको हल्का सा चुभ गया है, वहाँ का ऑयल रिलीज हो गया और उसने देखो यहाँ पे ऐसा अपीयरेंस दे दिया है, डल सा अपीयरेंस। इसी को कहते हैं ओलियोसिलोसिस। तो सोचो उसी के टॉक्सिन ने उसी की हालत कर दी है और तुम लोग उसको आंखों में मारते हो। अब मत मारना, ठीक है बेटा। लेमन्स एंड ऑरेंजेस आर हाईली ससेप्टेबल, देख भी सकते हो यहाँ पर, तो ये ऐसे नॉर्मली बन जाता है। ये देखो इसमें तो कितना अच्छे से हो रखा हुआ है, ये देखो दिख रहा है, ये सब ओलियोसिलोसिस हो रखा है। डिप्रेस्ड एरिया बन जाता है, डिप्रेस एरिया मतलब कि अनविलिंग एरिया, अच्छा नहीं दिखता फिर फ्रूट। हो गया डन, आगे बढ़े नेक्स्ट।
ये देखो कितना अच्छा हो गया। शरीफा इंग्लिश में क्या होता है? वेरी गुड। और अनानास? पाइनएप्पल। बेटा ये है पफिनेस, और देख भी सकते हो जो ऊपर का रिंड है ना वो फूल गया है। और क्यों हो गया ये? डिफेक्ट ऑन द पील। ठीक है, पील की वजह, पील के ऊपर ये इफेक्ट आ गया है, और पील पे ग्रूव्स भी बन गए। ग्रूव्स का मतलब होता है गड्ढे बन गए। ठीक है, मैच्योर फ्रूट्स में सबसे ज्यादा होता है। इतनी बात बस लिखो। बेटा ये भी क्लाइमेट की वजह से है, क्लाइमेट और न्यूट्रिएंट का उतार चढ़ाव की वजह से ये चीज़ है। हो गया, नेक्स्ट। आगे बढ़े। क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया ना? कौन सर ने? अच्छा वैभव सर ने पढ़ा दिया, उन्होंने हॉर्टिकल्चर डिस्कस कर दिया। हाँ मैं पता है, हम अगली बार चेंज करेंगे। हमें पता नहीं था कि तुम ही लोग यहाँ, उसको चेंज करना होगा। क्या चीज? वैक्सिंग, वैक्सिंग बेटा, वैक्सिंग करते हैं रेस्पिरेशन को रोकने के लिए। फल अगर सांस लेना बंद कर देगा तो सड़ेगा ही नहीं। राइपनिंग को रोक रहा है वो, उसका सेकेंडरी फैक्टर है। मेन फैक्टर वैक्सिंग का है कि उसको रेस्पिरेशन रोकना है। रेस्पिरेशन सही होगा, उसको रेस्पायर करने से रोकना है। हाँ उसके बाद वो राइपनिंग तो वो वैसे भी राइपड ही है। हाँ उसका रेट कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन नहीं, रेस्पिरेशन। तुमने अगर रेस्पिरेशन रोक दिया तुम सब रोक लोगे? नहीं, एक तीर से 10 निशान। तो रेस्पिरेशन रोक दो उसका, तभी वैक्सिंग कर देते हैं। और देखा भी होगा एप्पल को, देखा होगा एप्पल को हल्का सा ऊपर से खुदेरते हैं तो एक वाइट कलर का कुछ निकलता है। देखा है, देखा है? सेब लेना, आज ही जाके ट्राई करना। सेब लेना, एक चाकू उठाना और चाकू से ऊपर से हल्का हल्का खुदेरना उसको, पील के ऊपर एक वाइट कलर का पाउडर जैसा निकलेगा। और अगर तुम्हें हॉर्टिकल्चर का ज्ञान नहीं है और तुम्हें अगर नॉलेज नहीं है तो तुम सबको कहोगे कि देखो इसके ऊपर प्लास्टिक की फिल्म चढ़ी रहती है, ये तो खाने लायक नहीं है। तुम ये सबको बताओगे, जबकि वो वैक्सिंग किया हुआ है और वो एडिबल है। कोई उससे 100% कोई उससे नुकसान नहीं है तुम्हारे शरीर को या किसी और के शरीर को। वैक्सिंग वो इसलिए की गई है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक शेल्फ लाइफ उसकी इंक्रीज रह सके। ठीक है, ये ट्राई करना आज ही, एप्पल को ऊपर से खुदेरने की कोशिश करना, नाखून से ही करने की कोशिश करना, या एक दुकानदार जर कि देखो हम एप्पल देख रहे हो चुपके से कर लेना, तुम्हें मिल जाएगा जो हम बात कर रहे हैं।
उसका प्रूफ मिल जाएगा। रेस्पिरेशन को रोकने के लिए हम वैक्सिंग करते हैं, फल सांस ना ले। ओके नेक्स्ट, स्प्लिटिंग। बेटा इसी का नाम मैंगो में क्या था? क्रैकिंग, फ्रूट क्रैकिंग मैंगो में था, यहां पर क्या है? स्प्लिटिंग, ठीक है। और वहां पर एक्सेस वाटर की वजह से स्प्लिटिंग हो रही थी मैंगो में, सडन इरिगेशन कर दिया या एकदम से रेनफॉल हो गया, स्प्लिटिंग हो रही थी। यहां पे वाटर लॉस हो गया तो स्प्लिटिंग हो रही है, पानी का लॉस हो गया फल से तो स्प्लिटिंग हो रही है। डिफरेंस देख रहे हो दोनों में? हो गया। नेक्स्ट, हाँ हाँ मुझे लगा वो कहना चाह रही, अभी फेंक के मार रहे आपको। हो गया बेटा स्प्लिटिंग, तो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सबको मिल गया ना आंसर, कोई डाउट तो नहीं उसमें कि है? डाउट है तो पेपर हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, ठीक है पूरा, हम वैसे भी करते तुम्हें डाउट हो या ना हो। बेटा डीग्रीनिंग, बेटा याद रखना, एक हम जब अभी डिजीजेस पढ़ेंगे ना इसके, उसमें एक डिजीज आएगी ग्रीनिंग, अभी ये क्या है? डिसऑर्डर, डी ग्रीनिंग। और देख भी सकते हो, कलर ऑफ मैच्योर ग्रीन फ्रूट्स डू नॉट फेच गुड प्राइस, ठीक है। लेमन के ऊपर ये दिक्कत आने लगती है, ये देखो कौन सा वाला लेमन ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला कि ये वाला? ए अच्छा लग रहा है कि बी अच्छा लग रहा है? बी वाला। सी कहाँ है? अच्छा, और कुंवर साहब तुम मत सुधरना। बेटा ए अच्छा है कि बी? बी सबसे अच्छा, कौन सा प्राइस फेच करेगा? बी, बी। लेकिन सोचो अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ए से ये बी ना बने तो, तब क्या करोगे? कैसे करोगे फिर? कैसे करोगे? कैसे बताओ? ए से बी करना होगा तो क्या करोगे? वेरी गुड, आप इसको इथरल में ड्रिप करेंगे, इथरल में आप इसको डिप करेंगे फ्रूट्स को, और फ्रूट आपका ए से बी हो जाएगा। लिखिए इस बात को, ये जितने पॉइंट्स लिखे लिखिए, देख भी सकते हो। यहाँ देखो डी ग्रीनी की, देखो इधर से ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, देख रहे हो? डी ग्रीनिंग की वजह से हुआ है। ओके अब लिखो,
हो गया, ये लास्ट के दो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।
चलिए तो कहाँ तक हो गया था ये बताइए, पोटेशियम हो गया था पूरा ना, पोटेशियम के आगे पढ़ाना है, ठीक है, पोटेशियम तक सब लिख लिए हैं ना, काहे नहीं लिखे हैं, पीडीएफ नहीं भेजा था, तो कोई लोग एक ग्रुप में मैसेज कर देते, चलो अच्छा कोई बात नहीं, दिमाग में तो आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम पूरा हो गया था कि कुछ बचा था? हाँ, फंक्शन पढ़ा दिया पोटेशियम का, ट्रांसलोकेशन डेफिशिएंसी भी हो गई थी। अच्छा ये हो गया था, चलो बढ़िया है। हिडन हैंगर बता दिया था, लग्जरी कंजम्पशन बता दिया था, ये दोनों पोटेशियम से बहुत ज़रूरी है, कभी भी सवाल आए टेस्ट में भी पूछा था मैंने, है ना। अच्छा के फिक्सेशन पढ़ाना था, है ना, देखो ये आपके दो तीन चैप्टर में आता है के फिक्सेशन। देखो ऐसा है, के साथ क्या दिक्कत है, मैंने क्ले मिनरल अभी आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन मोटा मोटा समझिए कि कुछ क्ले मिनरल्स होते हैं, क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, जैसे कि 1:1 टाइप, 2:1 टाइप, है ना, 2:2 टाइप, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्ले मिनरल्स होते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, कौन सा, केओलिनाइट, नाम सुने हो कि नहीं, ये बात नहीं यार, जैसे आपने नाम सुना होगा केओलिनाइट, मॉन्टमोरियोलिनाइट, तो ये सब क्या होते हैं, क्ले के मिनरल्स होते हैं, के क्या होते हैं, क्ले मिनरल्स होते हैं, इनका डिवीजन होता है 1:1, 2:1 ऐसे टाइप का डिवीजन होता है। क्यों 1:1, क्या 2:1 होता है वो मैं क्ले मिनरोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता, एलमुना और सिलिका की लेयर होती है, एक एलमुना सीट एक सिलिका सीट तो क्या कहलाएगा, 1:1 टाइप, ठीक है, दो अलमुना बीच में एक सिलिका तो क्या कहलाएगा, 2:1 टाइप। तो ये बेसिक है और कुछ नहीं, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। तो अभी के फिक्सेशन का मतलब क्या है कि जो हमारा पोटेशियम है वो कैसा चार्ज है, प्लस में है, कैसा है पोटेशियम, कैसा है, प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, के प्लस ही तो है, ठीक है। और हमारा क्ले पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, जो हमारा क्ले पार्टिकल होता है वो कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जो ये पॉजिटिव वाला आयन है ये कहाँ जाके फिक्स होगा, पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे। तो पोटेशियम फिक्सेशन में और कुछ नहीं होता, एक मिनरल होता है जो होता है 2:1 प्रकार का, कैसा होता है, 2:1 प्रकार का, और उस मिनरल का नाम क्या है, इलाइट, उस मिनरल का नाम क्या है, इलाइट। तो कुछ नहीं होता है, जो हमारे पोटेशियम है उस मिनरल में जाके अपना ये ट्रैप हो जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, के फिक्सेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, के फिक्सेशन बोला जाता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि इलाइट में पोटेशियम ही क्यों फिक्स होता है, तो उसका एक रीज़न है, मान लो ये हमारा एक कैप है, ठीक है, तो इस कैप में इस साइज का ही तो पेन जाएगा, अब इससे अगर आप मोटा साइज का पेन ले आएंगे तो क्या जाना संभव है, तो पोटेशियम ही क्यों फिक्स होता है, क्योंकि दोनों का जो आयनिक रेडियाई है वो कैसा होता है, बराबर होता है, कैसा होता है, बराबर होता है, इसीलिए हमारा पोटेशियम ही जाके वहाँ पे फिक्स होता है, कैल्शियम नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता, क्योंकि प्लस वाले तो बहुत सारे हैं, कैल्शियम भी है और मैग्नीशियम भी है, मैग्नीज भी है, जिंक भी है, तो वो सब नहीं होते हैं, कौन सा होता है हमारा, पोटेशियम होता है, के प्लस ही होता है, क्योंकि उसका जो आयनिक रेडियाई है वो सिमिलर होता है, लगभग बराबर होता है, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं होता, लेकिन हाँ एंगस्ट्रॉम में होता है वो, इस बार मैंने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि आप में नहीं पूछा जाता, कोई मतलब नहीं है ना, 2.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा कि जो पोटेशियम फिक्सेशन है वो किस टाइप के क्ले मिनरल में होता है, तो किस टाइप के क्ले मिनरल में होता है, 2:1 टाइप के क्ले मिनरल में होता है, आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, तो उस नाम क्या है, इलाइट, समझ गए क्या होता है, बहुत सिंपल प्रोसीजर है। अच्छा 2:1 का भी मतलब देखो ऐसा होता है कुछ नहीं, जैसे एक अल्मुना लेयर है ना, अरे यार तुमने वो खाई है सैंडविच खाई है, या आपने बर्गर खाया होगा, तो बर्गर में क्या होता है, या सैंडविच ऊपर और नीचे से पाव होता है, और बीच में फिर उसकी
हाँ टिक्की होती है, बाकी आज प्याज तो बस कुछ नहीं है। ऐसे ही सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है 2:1 टाइप क्ले मिनरल का, है ना। क्ले वाले पार्ट में दिखा देंगे अच्छे से। तो है ना, मान लो ये एलमुना लेयर है, नीचे एलमुना लेयर है, बीच में सिलिका लेयर आ गई, तो इसी को बोल दिया गया 2:1 टाइप, कि दो एलमुना लेयर है एक सिलिका लेयर है, तो ये कैसा खनिज का प्रकार है, 2:1 टाइप है। तो उसी में जो मान लो ये ऐसे है, अरे मान लो ये दो लेयर हो गई ऊपर नीचे से, ठीक है, अब बीच में एक दूसरी लेयर है सिलिका की, ठीक है, समझ गए, तो यही क्या कहलाएगा, 2:1 टाइप का कहलाएगा, ठीक है। अब जो हमारा पोटेशियम है वो बीच में कहीं स्पेस खाली होगा वहीं पे जाके फिक्स हो जाएगा, उसी को बोल दिया गया पोटेशियम फिक्सेशन, उसी को क्या बोल दिया गया, पोटेशियम फिक्सेशन बोल दिया गया, ठीक है, समझ गए कि नहीं। तो देखो वही लिखा हुआ है कि पोटेशियम फिक्सेशन इज मोर इन 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल दैट इज इलाइट। तो दोनों सवाल आता है, पूछता है किस टाइप के मिनरल, तो चाहे टाइप पूछे तो 2:1 ऑप्शन रहेगा, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1 या 1:2, 2:1 ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो क्या सही होगा वहां पे, 2:1 सही होगा, नाम पूछ ले तो इलाइट सही होगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, कि एक तो पोटेशियम की पोटेंशियल होती है कि ये जाके फिक्स हो जाता है, बाकी एक और आयन की होती है वो होती है NH4, वो क्या होती है NH4, लेकिन ज़्यादा जो एबिलिटी होती है फिक्स होने की वो किसके पास है, पोटेशियम के पास, बाकी किसी के पास नहीं है, बस थोड़ा बहुत NH4 जो है वो भी फिक्स हो जाता है, ये थोड़ा सा और छोटा होता है साइज में इसलिए ये भी फिक्स हो जाता है, लेकिन आपसे कभी NH4 नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पोटेशियम, है ना। ये कभी सवाल आता है कि मान लो पोटेशियम फिक्सेशन को कम करना है, क्या करना है, पोटेशियम के फिक्सेशन को कम करना है, तो क्या किया जाए, तो एक तरीका होता है कि पोटेशियम डालने के पहले क्या डाल दो, NH4 डाल दो, तो जो साइट खाली है या जो जगह अवेलेबल है वहां पे जाके क्या फिक्स हो जाएगा, NH4 फिक्स हो जाएगा, तो फिर पोटेशियम के लिए जगह नहीं बचेगी। ये उस केस में ये लाइन मैंने लिख दी है कि अगर मान लो ये पूछ लिया जाए कि पोटेशियम के फिक्सेशन को कम करने के लिए हम लोग कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे, तो कौन सा डालेंगे, है ना, NH4 डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि वहां पे NH4 जाके क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, है ना। जब ऑलरेडी जो जगह अवेलेबल था उसमें NH4 आ गया, तो पोटेशियम के लिए क्या हुआ, जगह ही नहीं बची, समझ गए कि नहीं क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हें खाना किसी को कम खिलाना हो, तो खाने से पहले कुछ खिला पिला दो, तो आदमी क्या करेगा, हाँ अब तीखा बनाना एक अलग चीज हो गया, है ना, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसका भाई जगह है तो जितना पेट में उतना ही खाएगा ना। अब तुमने अगर पहले कुछ खिला दिया उसे, तो फिर बाद वाला आइटम नहीं खाएगा, है ना। या मान लो तुम्हें मीठा लास्ट में कम खिलाना है, तो खाना खिला दो, अब बेचारा जब पेट भर गया तो कितना मीठा, कितना भी अच्छा मीठा हो, कितना भी अच्छा लगे, लेकिन वो पेट से बाहर थोड़ी खा लेगा। वही सेम केस इसके साथ है, चूंकि जो जगह है वो फिक्स है कि इतने ही स्पेस अवेलेबल है, ऑलरेडी अगर वहाँ पे NH4 चला गया तो पोटेशियम के जाने की संभावना कम हो जाएगी, समझ गए कि नहीं। तो वही लिखा है कि NH4 ऑल्सो हैज सिमिलर आयनिक रेडियाई, ये रेडियाई होगा, ठीक है, रेडियाई, दियर फोर फिक्स ऑन 2:1 टाइप ऑफ क्ले मिनरल, है ना। तो NH4 जो होगा वो अफेक्ट करेगा पोटेशियम के फिक्सेशन और पोटेशियम के रिलीज को, समझ गए कि नहीं। सवाल आता है पोटेशियम फिक्सेशन से, सवाल यही आता है मेनली कि आपका क्ले मिनरल और उसका नाम पूछा जाता है, ठीक है। अगला है प्रेजेंस ऑफ NH4 ब्लॉक्स के रिलीज फ्रॉम ए फिक्स साइट, वही है ना, NH4 चला जाएगा तो आपका पोटेशियम हो जाएगा, समझे कि नहीं। अगला है आपका QY रिलेशनशिप, मैंने पहले ही बता दिया था QY रिलेशनशिप, है ना, क्या होता है, क्यों मतलब क्वांटिटी, I मतलब इंटेंसिटी, तो QI रिलेशनशिप को बोला जाता है क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है, बता चुका हूँ। क्वांटिटी का मतलब है कि जो सोल्यूशन में नहीं है, ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब यह है कि जो सोल्यूशन में है। तो कभी सवाल घुमा के आ जाए कि क्वांटिटी और इंटेंसिटी में कौन ज़्यादा अवेलेबल होता है, या पौधों के लिए कौन अवेलेबल होता है, तो वो होता है क्या, क्वांटिटी की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ज़्यादा अवेलेबल होगा, क्यों, क्योंकि ये किस में होगा, सॉल्यूशन में हुआ। तो साइंटिस्ट का नेम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसने दिया क्वांटिटी और इंटेंसिटी रिलेशनशिप, तो किसने दिया, वेकेट ने दिया, ठीक है। इट मींस द कैपेसिटी ऑफ द सॉयल टू मेंटेन द सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी और इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी से ही इंटेंसिटी में जाएगा, भाई
इंटेंसिटी का मतलब वो पार्ट जो सोल्यूशन में है, क्वांटिटी का मतलब जो सोल्यूशन में नहीं है। तो जो सोल्यूशन में नहीं है फिर वही तो सोल्यूशन में जाएगा, तो बस ये यही बताता है। समझ गए कि नहीं? अच्छा, एक्सचेंजेबल के क्वांटिटी देखो यही लिखा है। सोल्यूशन के का मतलब क्या हुआ? इंटेंसिटी। एक्सचेंजेबल का मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी। ठीक है, दैट रिलेट्स टू क्वांटिटी इंटेंसिटी आई है। समझ गए कि नहीं क्वांटिटी इंटेंसिटी? क्योंकि साइंटिस्ट का नेम पूछा है एक दो बार कि क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप किसने दिया, तो वेकेट ने दिया। कोई ऑब्जेक्टिव बुक सॉल्व करोगे तो उसमें भी रहता है कि क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप गिवन बाई, सोयल साइंस का कोई भी करोगे तो समझ जाओ कि वो क्वांटिटी इंटेंसिटी का मतलब एक्चुअली में है क्या। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? है ना। अच्छा, अगर क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि बफरिंग कैपेसिटी क्या है, अच्छी है, और अगर लो है तो मतलब बफरिंग कैपेसिटी खराब है। अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है? तुमने कभी पीएच निकाला है? कभी निकाला नहीं होगा। पीएच मीटर देखे हो कि नहीं? देखो, चलो एमएससी में जाना ना तो तुम लोग कोई भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना तो पीएच मीटर पे जरूर पीएच निकालना। देखो, एक होता है बफर टैबलेट आती है ना। अच्छा चलो, बफरिंग का मतलब समझो। बफर का मतलब ये होता है कि जिस प्लेस पे वैल्यू है उसको मेंटेन करना। ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी का मतलब ये, जैसे मान लो किसी सॉयल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है ना। सिंपल सा बफरिंग कैपेसिटी का मतलब समझो, बफरिंग का मतलब समझो रेसिस्टेंट टू चेंज, किसी चीज़ को आसानी से चेंज ना होने देना। समझ गए कि नहीं? किसी चीज़ को आसानी से चेंज ना होने देना बफरिंग कैपेसिटी कहलाता है। मान लो जैसे कोई सॉयल है जिसकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका फर्टिलिटी के कंपैरिजन में, मतलब फर्टिलिटी के अगर हम बात करेंगे तो उसकी बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। मतलब ये कि उस मृदा में जल्दी से जो है वो न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे। बफरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है रेसिस्टेंट टू चेंज। बफरिंग का मतलब क्या होता है? रेसिस्टेंट टू चेंज, है ना। जैसे कि किसी सॉयल का बफरिंग पीएच अच्छा है तो मतलब यह है कि उस मृदा का पीएच जल्दी से बदलेगा नहीं। जैसे लाइम डालते हो तो पीएच क्या हो जाता है? कम होता है ना कि ज़्यादा होता है? लाइम किस मृदा के लिए प्रयोग करते हैं? लाइम का प्रयोग, चूना का प्रयोग किस मृदा को सुधारने में करते हैं? एसिडिक पीएच। तो वो पीएच बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी मृदा का बफरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा ना तो ना पीएच जल्दी से घटेगा ना पीएच जल्दी से बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे क्या होता है? बफरिंग का मतलब होता है रेसिस्टेंट टू चेंज। जैसे मान लो तुमने ठान लिया है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, ना बहुत ज़्यादा डिटेरियोट होगे ना बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज होगे। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा है। तो अगर क्वांटिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप अच्छा है तो मतलब क्या है? हाँ, मतलब वो सॉयल अच्छी है। अगर क्यू आई रिलेशनशिप खराब है तो मतलब वो मृदा अच्छी नहीं है। ठीक है। अच्छा, रेशियो लॉ एक चीज़ होता है ना। किसने दिया था इसको? फील्ड ने दिया था। रेशियो लॉ छोड़ दो, यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, बस साइंटिस्ट का नाम ध्यान दो कि अच्छा कन्फ्यूजन हो जाता है इसको फील्ड और बेकेट में। बेकेट ने क्या दिया? क्यू आई रिलेशनशिप दिया, क्वान्टिटी इंटेंसिटी रिलेशनशिप दिया, जबकि रेशियो लॉ किसने दिया? इसको फील्ड ने दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये के कंटेनिंग मिनरल्स है, मतलब ऐसे खनिज जिसमें पोटेशियम पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? कठिन तो नहीं लग रहा है कुछ भी? किसी को ना समझ में आए तो बताना। तो जैसे आपसे सवाल ये भी आता है कि निम्न में से कौन सा पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल है। जैसे आपसे टेस्ट में मैंने पूछा था कि निम्न में से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें फॉस्फोरस पाया जाता है, तो कौन सा था? एपेटाइट। मिनरल सबके याद हैं, होने चाहिए, सवाल आते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए कौन सा मिनरल था? एपेटाइट। पोटेशियम के लिए कौन सा है? सिल्वाइट, कार्नेलाइट, कैनाइट, लंगेवेनाइट, सिल्विनाइट, है ना। देखो, सिल्वाइट और सिल्विनाइट में अंतर है। ये सब पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल हैं, समझे कि नहीं? खनिज हैं। अभी लोग आप इमेज डाल के देखोगे तो दिखेगा क्या होता है। कोई लोग गूगल पे अपने सभी लोग सर्च करो सिल्विनाइट, कोई सा एक मिनरल सर्च करो, देखो वो दिखेगा कैसा है ना। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दें कि जो हमारा इंडिया है वहाँ पे पोटेशियम कंटेनिंग मिनरल है ही नहीं, है ना। आपसे सवाल आए कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं, 100% इम्पोर्ट करते हैं, तो कौन सा है? समझे? पोटेशियम। पोटेशियम के मिनरल हमारे यहाँ नहीं है, पोटेशियम हम नहीं बना पाते हैं, तभी है जो म्यूरेट ऑफ पोटास इतना महंगा है मार्केट में। क्यों? क्योंकि उसके मिनरल ही नहीं है ना। ये क्या है? मिनरल है ना। तो एक एक मिनरल देखोगे तो सबके कलर अलग अलग होंगे, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ऐसा मिनरल है जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, वहाँ पे ऑप्शन आ जाए, है ना, एपेटाइट है, फेल्डस्पार है, डोलोमाइट है, सिल्वीनाइट है, कार्नेलाइट है, तो तुमको पता होना चाहिए कि किसमें क्या पाया जाता है, समझे कि नहीं। तो नाम ये सारे याद कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे कि अच्छा इसके सामने लिखा है कि इसमें कितना पोटेशियम पाया जाता है, पहले नाम याद कर लेना, जब नाम याद हो जाए तो उनका कंटेंट याद कर लेना। सवाल ये आता है कभी कभी, ये कन्फ्यूजन करता है, देखो सिल्वाइट में कितना है, 63 है, ठीक है, जबकि सिल्वीनाइट में कितना है, हाँ, तो सवाल आ जाता है कि निम्न में से कौन से मिनरल में अधिक है, तो कन्फ्यूज हो जाता है आदमी, ठीक है। ऑर्थोक्लेज भी अभी आगे लिखा हुआ है, लेकिन ये मिनरल्स भी हैं, ऑर्थोक्लेज भी पोटेशियम का है, आगे लिखा हुआ है, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये भी मिनरल्स हैं जिसमें पोटेशियम पाया जाता है, ठीक है। ऑर्थोक्लेज भी पोटेशियम का सोर्स है, अभी आगे लिखा होगा, है ना। देखो यह अगला ही लाइन तो लिखा है, द मेजर सोर्स ऑफ पोटेशियम कौन है, बायोटाइट, मस्कोवाइट, है ना, मस्कोवाइट, ये छोड़ो, और ये क्या है, आर्थोक्लेज। देखो पाया इन सब में जाता है, लेकिन मेजर कौन कौन से हैं, बायोटाइट, मस्कोवाइट और आर्थोक्लेज। जैसे नाइट्रोजन सभी में पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट में भी पाया जाता है, डीएपी में भी पाया जाता है, लेकिन मेजर सोर्स कौन है, यूरिया। मेजर हम किसका प्रयोग करते हैं, यूरिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पोटेशियम तो इन सब में पाया जाता है, लेकिन मेजर की बात करें तो बायोटाइट, मस्कोवाइट और आर्थोक्लेज। ये नाम याद रखना, अभी तुमको पहली बार सुना लग रहा होगा, आपने शायद ना सुना हो, जो नए मतलब जो पुराने हो तो सुने होंगे, जो नए स्टूडेंट हो नाम ना सुने हो, लेकिन ये इससे आप फेमिलियर होइए, इससे सवाल आता है। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव, मैं बार बार कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो तो उसमें देखो, है ना, तो आपको क्या मतलब पढ़ते रहना चाहिए, हैबिट डालो पढ़ने की, तो उसमें नई नई चीज़ें मिलेंगी, है ना। कहीं दिक्कत होती है तो जेन्युइन सवाल है तो आप मेरे पास भेजो। जैसे किसी ने एक सवाल भेजा था मेरे पास, कौन था वो लड़का, शायद नहीं आया आज, है ना, जैसे उसने कहीं कोई हिंदी की बुक पढ़ रहा था तो उसमें वीट की स्पेसिंग गलत दी हुई थी, मैंने कितना लिखा है वीट की स्पेसिंग, 22.5 × 5, तो उसमें 10 लिखा हुआ है, तो खुद सोचो कि 10 बहुत ज़्यादा हो गया, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर, समझ रहे हो, जो छोटी वाली स्केल आती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो इतना दूर गेहूं कभी देखे हो, नहीं होता, तो 22.5 × 5 ही सही है। तो इसलिए आप लोगों को भी अगर कहीं कोई अदर सोर्स से पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे तो इतना सफिशियंट है, इतना पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं और कहीं क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है, या आपके दिमाग में डाउट है कि सर ने कुछ और बताया था, यहाँ पे कुछ और लगा, तो उसी टाइम मुझे आप उसका फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, ठीक है, जब भी मुझे समय मिलेगा या जब मैं क्लास में आके उसे आपको बता दूंगा कि ये सही है या गलत है, लेकिन गलत मत पढ़ लेना कहीं से, है ना। अब मान लो वो उसने ट्रस्ट कर लिया बुक पे 22.5 × 10, अब जरा पेपर में आ गया 22.5 × 10, तो कहेगा अरे किताब में तो लिखा था 22.5 × 10 वही सही होगा, तो वो आपको नेगेटिव मार्किंग दिला जाएगा। ऐसे ही सीपी रेशियो से था, है ना, तो बहुत सारी ऐसी बुकें हैं, बहुत सारी ऑब्जेक्टिव किताबें हैं जिसमें माइनर मिस्टेक्स होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो टाइपिंग एरर भी हो सकता है, तो आप कभी पढ़ें चीज़ें ना मैच करें, मेरे ही सब्जेक्ट का नहीं कह रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्टों के लिए चीज़ बोल रहा हूँ, नहीं मैच कर रहा है तो टीचर जो यहाँ पढ़ा रहा है आप उससे पूछो, उसका बताने का जिम्मेदारी है, वो बताएगा, क्लियर करेगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो वो नहीं आया मुझे भेजा था, है ना, तो वो 22.5 × 5 ही होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो के कंटेनिंग मिनरल समझ गए कौन कौन से हैं, बायोटाइट, मस्कोवाइट और ऑर्थोक्लेज, बाकी ये सिल्वाइट है, सिल्वीनाइट है, कार्नेलाइट है, ये सब भी पोटेशियम के ही मिनरल है। ऑल ऑफ दीज आ जाएगा तो ऑल ऑफ दीज लगा दीजिएगा, और फास्फोरस का पूछे तो हेपेटाइट। नाइट्रोजन का कोई मिनरल नहीं होता, इसलिए नाइट्रोजन में मिनरल नहीं लिखा है। अगला सवाल मैंने क्या बताया, चाहे कॉपी में लिख लो, कि कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम 100% क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो ना, बाहर से जो मंगाते हैं इम्पोर्ट और हम जो भेजते हैं एक्सपोर्ट, तो कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो हम 100% इम्पोर्ट करते हैं, हमारे पास मिनरल ही नहीं है, ये सब मिनरल ही नहीं है हमारे इंडिया में, अभी तक नहीं मिला है, तो इसीलिए कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर जो 100% मंगाते हैं, तो पोटेशियम। इसीलिए एमओपी का दाम भी मार्केट में ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब हमारे यहाँ बन नहीं रहा तो हमें बाहर से मंगाना पड़ता है। कहाँ ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा कनाडा में होता है, इसकी जो मेजर मार्केट है वो कनाडा में है, फॉस्फोरस की जो मार्केट है वो मोरक्को में है, है ना, ठीक है। तो पोटेशियम क्या हुआ, 100% कैसा फर्टिलाइजर है, इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर है, हमारे पास एक भी ग्राम पोटेशियम नहीं है, हमारे यहाँ मिनरल ही नहीं, इंडिया में अभी तक मिनरल नहीं मिल रहा है, समझ गए कि नहीं, समझ में आ रहा सभी को ना।
अब देखो अगला वही लिखा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट पोटेशियम डिपॉजिट कहाँ पे है, कनाडा में है। फॉस्फोरस का पूछे तो मोरक्को में है, ठीक है। चलो अब देखो कुछ फर्टिलाइजर हैं जैसे KCL, है ना, KCL मतलब समझ रहे हो ना, कौन सा फर्टिलाइजर है ये, पोटेशियम क्लोराइड, मतलब कौन सा, हाँ कौन सा फर्टिलाइजर है ये, नाम बताओ, KCL किसका होता फॉर्मूला, अरे MOP नहीं है यार, म्यूरेट ऑफ पोटास, उसी को तो KCL बोला जाता है, म्यूरेट ऑफ पोटास, नहीं जानते हो, सवाल लगवाया था, MOP का ही फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास, बात तो एक ही है, समझ गए कि नहीं। तो उसमें कितना परसेंट पोटेशियम है, 60%, ये सब जानो धीरे धीरे, ये डबल पार्ट कवर हो रहा है आपको, पोटेशियम भी पढ़ा दिया और उसके फर्टिलाइजर भी पढ़ा दिया, तो ये दो पार्ट एक साथ चल रहा है, समझे कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, तो फर्टिलाइजर भी याद करते चलो। तो MOP में कितना परसेंट पोटेशियम होता है, 60% MOP, या इसे बोलते हैं KCL, पोटेशियम क्लोराइड। अच्छा इसमें क्लोराइड है तो कितने परसेंट क्लोरीन होता है, तो 60% हम लोग पढ़ते यही हैं क्योंकि हमारे काम का यही है ना, इसका उतना इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इसमें पाया क्या जाता है, क्लोरीन भी पाया जाता है, समझे कि नहीं। आ? क्या कहाँ 107 लिखा है, अरे यार इनका सम मत करो कि 100 से ज्यादा हो गया, पोटेशियम तो 60 ही है, जब पोटेशियम 109 लिखा रहता तब मानते, ये तो पोटेशियम अलग कंटेंट है और क्लोरीन अलग कंटेंट है ना, दोनों को जोड़ के नहीं करो, जैसे वो रील नहीं आता है कि हम दोनों लोगों को नंबर जोड़ के हमें टापर बना दो, ये परसेंटेज वाइज है, समझ रहे कि नहीं। ये देखो 60% क्या है, K2O है, 47% क्या है, क्लोरीन है, तो इन दोनों को सम मत करो कि 60, 40, 100 और 107% हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये परसेंटेज वाइज है, ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है। अगला है हमारा ये क्या लिखा है, K2SO4 का मतलब पोटेशियम सल्फाइड, नहीं पोटेशियम सल्फेट, तो कितना परसेंट पोटेशियम होता है, 48 से 52, कितना परसेंट सल्फर होता है, क्योंकि सल्फेट है तो क्या होगा, सल्फर, ऐसे ही क्या है, अमोनियम सल्फेट, कितना परसेंट सल्फर होता है, सब पढ़ाए हैं तुम लोग, पता नहीं कौन से माथक आदमी हो, अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट सल्फर होता है, सवाल भी टेस्ट में पूछा हूं, अरे गधा SSP वह गलत कर दोगे। अच्छा कितना नाइट्रोजन होता है अमोनियम सल्फेट में, 21% नाइट्रोजन और 24% सल्फर, समझे कि नहीं, अमोनियम सल्फेट में 21% क्या नाइट्रोजन और 24% सल्फर, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट में कितना पोटेशियम, 48 से 52, कितना सल्फर, 17% क्या है, सल्फर है, ठीक है। तुम लोग जो है पढ़ा करो ये सब चीज़ काम आएगा, अभी इबको क्रिबको एक एग्जाम होता है उसमें एक तरफ से यही पूछता है, उसमें और कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है, एक आध सवाल आएगा, यही सब आएगा कि किसमें कितना होता है, समझ गए कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अगला है हमारा पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, K2SO4 × पोटेशियम सल्फेट मैग्नी, इन दोनों का तो भैया जरूर याद कर लेना, हमारी तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलो है ना, तो क्या है माँ, पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट, तो पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होगा, तीनों होगा, पोटेशियम 22% 11% मैग्नीशियम 22%, समझ में आ रहा है ना, हाँ तो इन दोनों का जरूर याद कर लेना कंटेंट सहित, 60% तो याद ही होगा उम्मीद है ना, बाकी बचा वाला याद कर लेना। अगला है पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 का मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, तो कितना परसेंट नाइट्रोजन, 44%, कितना परसेंट, ओ 44% पोटेशियम है, नाइट्रोजन कितना परसेंट,
13%, समझे कि नहीं? ये इतना याद कर लेना, क्योंकि ये फर्टिलाइजर वाला पार्ट है, ये पूरा अलग से मुझे पढ़ाना पड़ता है, लेकिन मैंने इसी में ऐड कर रखा है, जिससे कि तुम्हें दो बार ना घूमना टहलना पड़े, समझ गए नहीं? तो याद कर लेना सबका। अब देखो थोड़ा सा पोटेशियम के बारे में जान लो, म्यूरेट ऑफ पोटास, फॉर्मूला क्या होता है? KCl। अब इंडिया में मुख्यतया कौन सा फर्टिलाइजर प्रयोग होता है? ये सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो पोटेशियम का सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, तो कौन सा है? तो वही लिखा है, मोस्ट वाइडली यूज्ड पोटेशियम फर्टिलाइजर कौन है? यही है, म्यूरेट ऑफ पोटास। और इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो जो वर्ल्ड में यूज हो रहा है तो इंडिया में हो ही रहा है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम, जैसे हम सबसे ज्यादा नाइट्रोजन के लिए कौन सा फर्टिलाइजर डालते हैं? यूरिया। फॉस्फोरस के लिए DAP। फॉस्फोरस के लिए DAP। पोटेशियम के लिए म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है, अगला है कैसा कलर का होता है? तो देखो पिंक रेड ब्राउन कलर का होता है, देखे हुए मूपी नहीं खेत, तो कैसा होता है? हाँ हाँ, मोरंग जैसा है ना, देखे हो नहीं सभी लोग, तो गूगल करके देख लेना, ये सब जानो, एग्रीकल्चर क्षेत्र से हैं तो थोड़ा सा फील्ड विजिट किया करो, धान गेहूं देखा करो, है ना? तो कैसा है, पिंक रेड ब्राउन कलर का होता है या वाइटिश कलर का होता है? और अगला क्या है, सोलूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है कि नहीं? जैसे यूरिया पानी में घुलनशील है कि नहीं? तो ये सब जानो, सवाल ये भी आता है कि कौन सा घुलनशील है कौन सा घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगला है, इट शुड नॉट बी यूज्ड इन क्लोराइड सेंसिटिव क्रॉप लाइक सोलेनिशियस क्रॉप। अब देखो ज़्यादातर फसलों में तो यही पड़ता है, लेकिन सवाल ये भी आता है, मैं फसल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी फसल है जिनमें म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं किया जाता है या नहीं डालते हैं। तो एक तो क्रॉप है, जानते हो कौन सी? शुगर केन, दूसरी आलू, तीसरी तंबाकू। अब देखो इन सब, मिर्ची उर्ची का नहीं, मिर्ची का मैडम से पूछना अपने, है ना? अब सुनो क्यों नहीं करते हैं, रीजन समझो। ऐसा है कि जो हमारा पोटेशियम क्लोराइड है उसमें एक तो पोटेशियम पाया जा रहा है, उसके साथ दिक्कत नहीं है, साथ में क्या पाया जा रहा है? क्लोरीन पाया जा रहा है। तो क्लोरीन के साथ दिक्कत यह है कि जो शुगर केन है, जो पोटैटो है, जो शुगर बीट है, इन सब में कॉमन बात क्या है? शुगर केन जमीन के अंदर होता है, इन सब में कॉमन बात है कि शुगर केन जमीन के क्या? अरे इन तीनों में कॉमन बात क्या है? तुम लोग रीजनिंग में कैसे पास हो गए जी? पोटैटो, शुगर बीट, शुगर केन, तीनों में कॉमन बात क्या है? अरे यार देखो शुगर केन में भी सुक्रोज पाया जाता है ना, शुगर क्रॉप है, मतलब शुगर बीट और शुगर केन शुगर क्रॉप है, और आपका पोटैटो में भी शुगर कंटेंट पाया जाता है। तो क्लोराइड क्या दिक्कत करता है कि जो शुगर का ट्रांसलोकेशन है ना, उसको प्रभावित करता है। तो अगर तुम ऊपर से पोटेशियम क्लोराइड लेके डाल दोगे खेत में, तो क्या करेगा? दिक्कत कर देगा। क्या कर देगा? दिक्कत कर देगा। इसीलिए हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, जो KCl होता है, वो कौन सी फसलों में नहीं प्रयोग करते हैं? तो एक तो फसल का नाम भी याद रखो, फैमिली भी याद रखो, एक तो शुगर केन, दूसरा पोटैटो, तीसरा टोबैको। अच्छा अब टोबैको में क्यों नहीं करते हैं? पहले मैंने कोई और नाम ले लिया था क्या? हाँ तो शुगर बीट में भी नहीं करते हैं। अरे भैया सुनो, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो, टोबैको, चारों में नहीं करते हैं। अच्छा टोबैको में क्यों नहीं करते हैं समझो? हाँ टोबैको में क्या होता है कि तंबाकू का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं? अरे एक तो हम च्यूइंग करते हैं, मतलब हम नहीं, जो लोग खाते हैं वो क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। और क्या तंबाकू का प्रयोग होता है? सिगरेट बनता है। ए गधा, गुलमंजन उसे बहुत रद्दी प्रोडक्ट होता है, क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करो, है ना? सिगार, नाम जानते हो तुम लोग, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि उसमें बर्निंग होती है ना, क्या होता है? बर्निंग। अब पता चला तुमने मान लो सिगरेट जलाई, अब वो जली नहीं रही है, तो मजा आएगा पीने में? पहले ही मूड खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ध्यान, बात नहीं, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, सुन लो, टोबैको में भी पढ़ाऊंगा। तो क्या है कि बर्निंग क्वालिटी को भी देखा जाता है कि कौन सी तंबाकू की बर्निंग क्वालिटी अच्छी है, कौन सी तंबाकू की बर्निंग क्वालिटी खराब है। बर्निंग मतलब जलने की क्षमता किसके पास है, है ना? पता चला आदमी स्मोक कर रहा है और वो जली नहीं रही है बाहर, तो दिक्कत होगा। जो लोग मतलब
एक्सपीरियंस होगा, उनको पता होगा, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि जो क्लोरीन है ना वो बर्निंग क्वालिटी को भी खराब कर देता है, समझे कि नहीं। क्लोराइड जो कंटेंट है वो बर्निंग क्वालिटी को खराब कर देता है, इसीलिए हम लोग टोबैको में भी क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड नहीं डालते हैं। तो सवाल आए कि पोटेशियम क्लोराइड कौन सी फसल में नहीं प्रयोग करना चाहिए, तो चार, शुगर केन, शुगर बीट, पोटैटो, टोबैको। और सोलेनेसियस फैमिली क्यों बोल दिया, क्योंकि देखो आलू भी किस फैमिली से है, सोलेनेसी, तंबाकू किस फैमिली से है, सोलेनेसी, समझ गए कि नहीं। हाँ तो वही लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, अरे भैया तो उसका अलग रीजन बताया ना कि क्यों नहीं करते हैं। जो भी शुगर क्रॉप होंगी, अब शुगर क्रॉप दो ही है मेनली वर्ल्ड में, या तो चीनी किससे बनता है, या तो शुगर केन से बनता है, या तो शुगर बीट से बनता है, ठीक है। तो लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और ये सब लिख लो नहीं रामायण तुम लोग भूल जाते हो। शुगर केन, शुगर बीट, अरे भेज देंगे तो ये नहीं लिखा, ये थोड़ी लिख। हाँ यहाँ कहते हो याद रहेगा, जब बाद में मैं पूछता हूँ तब शुगर केन के नाम पे सनफ्लावर और शुगर बीट के नाम पे सोरघाम बताते हो तुम लोग, ठीक है, समझ गए कि नहीं। अब अगर इनमें पोटेशियम क्लोराइड नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा, पोटेशियम सल्फेट पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो सवाल और कैसे घूम सकता है, वो ये पूछ सकता है कि जो हमारी पोटैटो क्रॉप है उनमें से कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे, क्लोराइड की पोटेशियम मतलब सल्फेट, तो कौन सा डालेंगे, सल्फेट, समझ गए कि नहीं। नहीं समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, अरे भैया पोटेशियम क्लोराइड अगर नहीं पड़ेगा इन फसलों में तो क्या पड़ेगा, हाँ ठीक है। तो अगला सल्फेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट बात एक ही है, क्या कह, क्या क्या कह रहे हो तुम, शुगर बीट नहीं जानते हो, अरे यार चुकंदर नहीं खाए हो, हाँ अरे यार अंग्रेजी में ही लिखा जाता है, वो भी बोलते हैं ठीक है ना, हाँ शुगर बीट मतलब चुकंदर है ना, खाया पिया करो। मैम पढ़ाएंगी शुगर बीट, शुगर बीट पढ़ाएंगी, परेशान नहीं हूँ। कौन कह रहा सलजम, सब खाया करो, ए शांत रहो आप लोग भैया लोग, ठीक है। तो जहां पे पोटेशियम क्लोराइड का नहीं प्रयोग करेंगे वहां पे क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो अगला है सल्फेट ऑफ पोटास, या इसी को बोला जाता है पोटेशियम सल्फेट। तो देखो इट इज मोर कॉमनली यूज्ड इन सोलेनेसियस क्रॉप, क्योंकि वो नहीं प्रयोग कर रहे हैं इसलिए क्या प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अगला है इट प्रोड्यूस बाय रिएक्टिंग, देखो कैसे बनता है, पोटेशियम क्लोराइड को सल्फेट के साथ रिएक्ट करा दो, किसके प्रेजेंस में, या एस्टोसोफोर से करा दो, क्योंकि इसे सल्फेट ही चाहिए, तो चाहे सल्फेट करा दो चाहे एस्टोसोफोर करा दो, क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, है ना। KNO3 इज मोस्ट वाइडली यूज फ्रूट क्रॉप, है ना, क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें सब में जितनी फ्रूट क्रॉप होती है उसमें शुगर पाया जाता है ना, सब फल लगभग जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, मीठे होंगे तो उसमें सुक्रोज होगा, सुक्रोज होगा तो क्लोराइड डालोगे तो दिक्कत करेगा, इसीलिए पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज में, कॉटन में, वेजिटेबल्स में करते हैं, समझ गए कि नहीं। तो सवाल कहीं से भी आ सकता है कैसे भी करके, इसलिए पढ़ाता हूँ, है ना। क्या पोटेशियम खत्म हो गया क्या, अरे देखो होता फ्रक्टोज भी है लेकिन है तो शुगर ही, फ्रक्टोज भी क्या है, शुगर ही है, हाँ अरे फ्रक्टोज भी तो शुगर है, सबसे मीठी शर्करा कौन सी, सबसे मीठी, हाँ। और जर्मिनेटिंग सीड में कौन सा होता है, कौन सा होता है, माल्टोज, जर्मिनेटिंग सीड में माल्टोज सबसे स्वीटेस्ट फ्रक्टोज, समझे कि नहीं। लैक्टोज और किसमें होता है, किसका मेन है, मिल्क में, हाँ आलू में डेक्सट्रोज है, और मिल्क में लैक्टोज है, ये सब जानो भैया, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, NPK खत्म हो गया, अब हमारे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, कौन से, पहला कौन सा है,
ठीक है, पोटेशियम सभी को समझ में आ गया ना। ये समझ लो कि जो तुम्हारा सॉयल साइंस है ना, उसमें जो 50% सवाल आता है वो अकेले फर्टिलिटी से आता है, बाकी 50 में सब आता है, पेडोलॉजी आता है, सॉयल फिजिक्स आती है, सॉयल केमिस्ट्री आती है, सॉयल बायोलॉजी आती है, अकेले है जो सबसे ज़्यादा सवाल देता है। इसलिए इसको आराम आराम से एक एक पॉइंट क्या तुम लोगों को याद करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पता है तुम लोग एकदम तेज बुद्धि के आदमी, यहाँ हम नहीं याद कराएंगे तो तुम रूम पे पता नहीं क्या क्या याद कर डालोगे। हाँ, तो अगला क्या है? कैल्शियम। और कैल्शियम कौन सा तत्व है? सेकेंडरी। हाँ, बहुत बढ़िया। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें कैल्शियम किस रूप में प्रेजेंट होता है? कैल्शियम पेक्टेट के रूप में प्रेजेंट होता है, जो किसका पार्ट होता है? मिडिल लैमेला का। सेल का पढ़े हो कि ना, प्राइमरी सेल वाल बगदा टर्शियरी नहीं होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और मिडिल लैमेला। किसको टर्शियरी कहते हैं? तो क्या पता, नया जमाना चल रहा है, हो गया वो, तब हम नहीं पढ़े इसलिए हो सकता है टर्शियरी। खैर मैंने नहीं पढ़ा है कहीं, नहीं। देखो मेनली क्या होता है हमारा, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, देन सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो मिडिल लैमेला होता है उसका जो पार्ट होता है वो क्या होता है? कैल्शियम पेक्टेट, वहां पे कैल्शियम प्रेजेंट होता है, सवाल आता है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लांट में कैल्शियम किस रूप में होता है? कैल्शियम पेक्टेट, जो किसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? मिडिल लैमेला ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। वैसे मेनली तीन ही होता है, टर्शियरी मतलब पता नहीं, ठीक है, मेनली यही है। मिडिल लैमेला सबसे अच्छा, ये मत समझना शायद, मतलब आप लोग क्लियर कर लीजिएगा सबसे जो पढ़ा रहे हैं। मिडिल लैमेला का नाम देख के ये मत कर देना कि ये मिडिल में होगा, नीचे नहीं, शायद सबसे ऊपर होता है। सबसे पहले मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी। हाँ ठीक है, समझ गए कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा सही से पढ़ना। चलो अब इधर ध्यान दो, अगला है, ए भैया, कैल्शियम इज कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड द फंक्शन ऑफ द रूट टिप्स, तो ये इसका काम है। अगला है, नेसेसरी फॉर द नॉर्मल माइटोसिस। माइटोसिस जानते ही हो तुम लोग, किसने दिया? हाँ ठीक है। अगला है, कैल्शियम एब्जॉर्ब बाई प्लांट्स एज अ, है ना, कैसे अपटेक करता है? Ca2+। पोटेशियम कैसे करता था? K+। फॉस्फोरस कैसे करता था? H2PO4, HPO4 और PO4। सबसे ज्यादा कौन सा? H2PO4, ठीक है। तो कैल्शियम किस रूप में लेता है? ठीक है, अच्छा। मेनली ये किस मेथड से जाता है? तो रूट इंटरसेप्शन, तीन मेथड पढ़ाया था ना, तो मेनली रूट इंटरसेप्शन और कटायन एक्सचेंज, बाकी तीन ही मेथड था। डिफ्यूजन से ये जाता नहीं, डिफ्यूजन से कौन जाता है? फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, ठीक है। ये किस मेथड से जाता है? रूट इंटरसेप्शन या, ठीक है, अच्छा। इसका सोर्स कौन है भैया? हाँ, सबका सोर्स याद करते चलो। पोटेशियम का क्या लिखा है अभी? शांत रहो, रो वाइज पूछेंगे। अब देखें बुद्धि कौन यहाँ शरीर से है, कौन शरीर और दिमाग दोनों से है। बताओ भैया इस रो में पोटेशियम का सोर्स बताओ। ए भैया शांत रहिए आप लोग, प्लीज शांत रहिए, आप बताइए पोटेशियम का सोर्स कौन सा है? मिनरल का नाम बताओ एक दो, इतने सारे तो पढ़ाए, तुम क्या बता रहे हो उसे? लाइफ सेविंग, लाइम सल्फेट, यही तो दिक्कत है, आप लोग कहाँ रहते हैं? आप बताइए भैया, आप बताइए, सब एक नाम रट लिए, कोई बदल दे हो, तुम बताओ कोई दूसरा बताओ, क्यों नहीं क्लास में यार ध्यान देते हो? आप बताइए भैया, तुम बताओ भैया, प्रसून, ऐसे फेंक के मारेंगे, एपेटाइट पोटेशियम का सोर्स है। तुम तो औरे दुनिया में चल रहे हो। फास्फोरस मैंने पूछा है, पोटेशियम पूछा है, आप तुम बताओ। हाँ तुम बताओ, क्या नाम है? आप बताइए, आप बताइए, क्या तुम बता देते, तुम बताओ, तुम बताओ, आप पहली क्लास है, इधर बताए, आप बताइए,
आप बताइए क्या? ठीक है आप बताइए। ए शांत रहो भैया। आप बताइए। इसीलिए कह रहे हैं थोड़ा क्लास में है ना, आपका नुकसान होगा, मेरा यार कुछ नहीं होगा। आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिए मेरे साथ, अगर रीडिंग भी करते चलेंगे ना तो धीरे धीरे याद हो जाएगा है ना। उनको देंगे भगा क्लास से, समझ में आया क्या? धीमे तेज से कुछ नहीं होता है, क्लास का डेकोरम मेंटेन करो नहीं भगा देंगे क्लास से। तुम लोग बहुत बड़ा गधा हो गए हो। ठीक है तो कैल्शियम का सोर्स कौन है? एनॉर्थाइट है ना। पोटेशियम का जैसे ऑर्थोक्लेस था, मस्कोवाइट था, सिल्वाइट था, सिल्विनाइट था, कार्नेलाइट था है ना। कोई बात नहीं, थोड़ा प्रयास करो याद करने का। तो कैल्शियम का सोर्स कौन है? एनॉर्थाइट। फॉस्फोरस का? एपेटाइट। और नाइट्रोजन का? कोई मिनरल नहीं होता है, पूछे कोई नाइट्रोजन का तो नहीं होता है। हाँ तो हाँ वो ऑर्गेनिक मैटर से आता है, तो ऑर्गेनिक मैटर कोई मिनरल तो है नहीं। तो एनॉर्थाइट किसका सोर्स है? कैल्शियम का। अगला है ऑगाइट एंड हॉर्न ब्लेंड आल्सो कंटेन कैल्शियम। मेजर ये है लेकिन ऑगाइट और हॉर्न ब्लेंड में भी कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है अगला है अमंग द सेकेंडरी मिनरल कैल्साइट द डोमिनेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम है ना। जो हमारे एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो वहां पे जो कैल्शियम का सोर्स होता है, जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं, वहां पे क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है चलो अच्छा कैल्शियम अगला हमारा डोलोमाइट है ना। डोलोमाइट किसका सोर्स है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सोर्स है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम है ना, चाहे ऐसे लिख लो CaCO3 into MgCO3, चाहे ऐसे लिख लो CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है बात एक ही है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला भी याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना। डोलोमाइट का सोर्स क्या है, मतलब किसका सोर्स है? कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सोर्स है। तो सवाल जैसा आए वैसा आंसर करना। ठीक है अगला है कैल्शियम इज वेल नोन फॉर इट्स रोल इन सेल डिवीजन एंड सेल एलोंगेशन। अभी जब मैंने बताया था माइटोसिस में इसका अच्छा खासा रोल होता है, मिडिल लेमला के फॉर्मेशन में इसका रोल होता है ना। सेल कैल्शियम का काम यही सब है, मजबूती प्रोवाइड कराता है ना। तो ये सब हमारा किसका काम होता है? कैल्शियम का काम होता है। ठीक है अच्छा अब कैल्शियम की अगर डिफिशियंसी होगी तो क्या क्या इससे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं? जैसे पहला है पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट। क्या है? पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट। जब पढ़ाएंगे ग्राउंडनट तो बता देंगे पॉपिंग क्या होता है। अगला है ब्लैक हर्ट ऑफ ग्राउंडनट एंड सेलेरी। ये सब कैल्शियम की कमी से रोग होते हैं, जैसे धान में जिंक की कमी से खैरा रोग होता है, वैसे ही कैल्शियम की कमी से ग्राउंडनट में कौन सा डिजीज हो जाता है? पॉपिंग। और पॉपिंग और एक टर्म होता है पेगिंग, दोनों में अंतर होता है। पॉपिंग एक विकार है और पेगिंग एक क्रिया है, समझे कि नहीं? तो ये क्या है? पॉपिंग है। क्या है? पॉपिंग। तो ग्राउंडनट में पॉपिंग किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। और जितने ये विकार है ना, ये सब विकार तुमको एक तरफ से रटे होने चाहिए। मैक्सिमम जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से हैं, कुछ सेकेंडरी से हैं। ठीक है तो सब याद होना चाहिए, जैसे खैरा जिंक एक याद है, बाकी और याद करने का प्रयास कीजिए। तो पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट। अगला है पॉड रॉट ऑफ ग्राउंडनट, पोटैटो, इंटरनल ब्राउन स्पॉट ऑफ पोटैटो। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, देखो इंपॉर्टेंट वाला मैं कर दे रहा हूँ, वैसे सब पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये याद रखना, पॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट याद रखना। ठीक है अगला आप याद रखना टिप हुकिंग ऑफ कलीफ्लावर है ना। कलीफ्लावर में ऐसे पढ़ाया जाएगा आपको, जो कल्टीवेशन पढ़ाएगा, लेकिन टिप हुकिंग ऑफ कलीफ्लावर किसका है? कैल्शियम की कमी से। अगला ब्लॉसम एंड रॉट, सबको पता ही होगा BER, ब्लॉसम एंड रॉट किस में लगता है? टोमेटो में लगता है ना, ये छोड़ दो पेपर्स का, टोमेटो का याद रखो। तो BER किससे होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी। ऐसे ही हैन एंड चिकन है, वो किससे होता है? हाँ तो वैसे मैम आपको पढ़ाएंगी क्रॉप में, लेकिन यहाँ भी जानते रहो, पढ़ा चुकी हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना। अगला है बैक्टीरियल कैंकर ऑफ टोमैको, कैविटी स्पॉट इन कैरेट, बिटर पिट ऑफ एप्पल, सब पढ़े हो कि नहीं? ये सब कैल्शियम की कमी से होते हैं। पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए, जिस पे टिक किया हूँ तो जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है
बर्निंग ऑफ लीफ वगैरह जो छोड़ दीजिएगा, लेकिन कैविटी स्पॉट, बिटर पिट ऑफ एप्पल, टिप हुकिंग इन कलीफ्लावर, है ना, अगला है हमारा जो ये पॉपिंग ऑफ ग्राउंड नट, ठीक है, और ब्लॉसम इन डॉट इन टोमेटो, ये सब किसकी कमी से हो रहे हैं? कैल्शियम की कमी से हो रहे हैं, समझ में आया? तो ये सब आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सॉयल में भी आ सकता है, हॉर्टिकल्चर में भी आ सकता है, एग्रोनॉमी में भी आ सकता है, ये कई, है ना, कई सब्जेक्ट का ये पार्ट है, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है? तो समझ गए नहीं? अगला है अब कैल्शियम का सोर्स क्या क्या है, अभी तक आपने पोटेशियम, तो इसके फर्टिलाइजर पढ़ लो, कुछ कुछ याद कर लो, बाकी चाहे छोड़ देना, है ना। जैसे ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, तो उसमें कितना कैल्शियम है? 12 से 14। अगला कैल्शियम नाइट्रेट है, कितना कैल्शियम? 3 से 5। ये दोनों याद कर लेना, जो ये EDTA वगैरह है ये चाहे छोड़ देना। रॉक फॉस्फेट में कितना होता है? 35, ये याद कर लेना, है ना। एनिमल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट भी छोड़ देना, आप लोग मत पढ़ना। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जानते हो कि नहीं? कैन खाद क्या पाया जाता है इसमें? 25% नाइट्रोजन होता है और 8% क्या होता है? कैल्शियम। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, है ना। कैन को और किस नाम से जानते हैं? किसान खाद, गोल्डन खाद, है ना। तो ये सब इसके नाम है, ठीक है। बेसिक स्लैग में याद कर लेना, बाकी छोड़ देना, ठीक है। किसका किसका याद करना है आपको? ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का, कैन का और कैल्शियम नाइट्रेट का। समझ गए नहीं? समझ में आ रहा है ना? कुछ कठिन नहीं है ये, आपको याद करना पड़ेगा यार किसमें क्या पाया जाता है ना। और आप लोग जरूर याद करिए, क्योंकि अभी इफको की वैकेंसी आई है ना, आप सभी लोग इफको का फॉर्म भरिएगा, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे ग्रेजुएट होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, कितने लोग हैं नहीं है ग्रेजुएट? मतलब आप कौन से ईयर में आप लोग? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, तब भी फार्म भरिएगा देखने के लिए, ठीक है। तो जो लोग हैं, मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप वहाँ देखिएगा, ज़्यादातर सवाल फर्टिलाइजर से आएंगे, क्योंकि वो फर्टिलाइजर एक कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए पढ़ो, समझे कि नहीं? हाँ, अब इधर ध्यान दो, तो ये याद कर लेना कि किसमें कितना पाया जाता है, ठीक है। समझ गए नहीं? कैल्शियम आपका ख़त्म, ठीक है, समझ गए। जितने न्यूट्रिएंट हैं, परेशान नहीं हो, सिलेबस पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे रहते सिलेबस में तुम ज़्यादा ही पढ़ा दूंगा, और एक दो सब्जेक्ट लास्ट में आते आते कम नहीं पढ़ाऊंगा, परेशान नहीं हो, ठीक है। तो अब अगला क्या है, क्योंकि NPK क्या था भैया? प्राइमरी न्यूट्रिएंट था ना, तो उसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। अब सेकेंडरी है तो वैसे पढ़ाना पड़ेगा, अभी माइक्रो चलेगा तो फिर और बढ़िया से पढ़ाना पड़ेगा, है ना। अगला कौन सा है, है ना। देखो ऐसा है कि जिससे जितना पार्ट आता है, जो जरूरी है, वही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कैल्शियम समझ में आ गया, ठीक है। कैल्शियम के जितने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, सब आपको आपकी जुबान पे होना चाहिए, चाहे वो कैविटी स्पॉट हो, चाहे वो बिटर पिट हो, चाहे वो ब्लॉसम इंड रॉट हो, ठीक है। अगला हमारा मैग्नीशियम, और एक सवाल जो और फेमस है कैल्शियम का, वो मिडिल लेमला वाला है, कि मिडिल लेमला के फॉर्मेशन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है, है ना। आपको पढ़ाया गया होगा, तो वहाँ भी सर बताए होंगे कि मिडिल लेमला के फॉर्मेशन में कैल्शियम की जरूरत होती है, और वहाँ कैल्शियम किस रूप में प्रेजेंट होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट। जैसे तुम्हें फॉस्फोरस में मैंने पढ़ाया था कि सीड में फॉस्फोरस किस रूप में, हाँ, सीड में फॉस्फोरस किस रूप में स्टोर होता है? फाइटिन के रूप में स्टोर होता है। अगला हमारा मैग्नीशियम, अगला क्या है? मैग्नीशियम। अब देखो, प्लांट जो होता है वो मैग्नीशियम को किस फॉर्म में लेता है? Mg, है ना, तो ये 2+ होगा, ठीक है। इट इज मेनली सप्लाइड थ्रू मास फ्लो, है ना। कैल्शियम किस मेथड से जा रहा था? रूट इंटरसेप्शन और कटायन एक्सचेंज। ये किस मेथड से जा रहा है? मास फ्लो। पोटेशियम किस मेथड से जा रहा था बताओ भैया? डिफ्यूजन। फास्फोरस किससे जा रहा था? डिफ्यूजन। फास्फोरस भी किस मेथड से जा रहा था? डिफ्यूजन। PK, आयरन और जिंक किस मेथड से आते हैं? फ्यूजन। हमारा मैग्नीशियम किस मेथड से जा रहा है? मास फ्लो, है ना। जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा मास फ्लो वगैरह क्या होता है, है ना। नोट्स आप लोग मेंटेन करिए, किसी दिन पढ़ा दिया जाएगा, है ना। हाँ, अभी बता दें मास फ्लो यार। एक्चुअली क्या है कि देखो, हमारा जो न्यूट्रिएंट पौधा आप टेक करता है ना, उसके तीन मेथड हैं, है ना। तीन मेथड का नाम क्या है? मास फ्लो है, डिफ्यूजन है और रूट इंटरसेप्शन है। तीन मेथड है, समझ गए कि नहीं? मास फ्लो का मतलब ये होता है, सिंपल समझ लो, है ना। ये हमारा मान लो पौधा है, ये इसकी पौधों की क्या है? जड़ें हैं, ठीक है। सभी लोग समझ लो, चलो एक बार समझा ही देते हैं,
किसी लड़के ने तो हमसे कुछ पूछा है क्लास में कि सर ये बता दीजिए, नहीं तो कुछ भी को सर आता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, है ना। तो मान लो थोड़ा सा आर्ट मेरा वीक है ना, तो ये समझिए कि ये प्लांट है ना, ऊपर ये क्या है, प्लांट है, ये इसकी क्या है, ठीक है, क्या है, जड़ है, हमारी रूट्स हैं। तो देखो जो हमारा प्लांट है वो न्यूट्रिएंट कैसे अपटेक करेगा, या तो न्यूट्रिएंट खुद पहुंच जाए इसके रूट तक, समझ रहे हो कि नहीं, तब ये अपटेक कर ले, या तो ये जड़ उस न्यूट्रिएंट तक पहुंच जाए, दो ही तरीके में तो जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। क्या नाम है आपका, है अबिरल, ठीक है, हाँ तो अबिरल जी समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ, क्या कहा मैंने, क्या कहा, बताइए क्या मैंने बताया आपको, कहाँ से यूजी है, हाँ कुंडा, तो यार कुंडा का आदमी हो, चलो है ना कोई बात नहीं, बैठो। एक बार में नहीं समझ में आता तुम लोग क्यों हंस रहे हो, तुम लोग को 50 बार बता चुका हूँ, आज हो नहीं बता पाते हो, वो बेचारा पहली बार पढ़ रहा है ना। तो अगला क्या है हमारा, देखो सभी लोग एक बार ध्यान से सुनो, काम कीजिए, हमारा प्लांट है, ठीक है, प्लांट की ये जड़ें हैं, हमारा ऊपर तना है। अब हमारा न्यूट्रिएंट क्या है, सॉयल में प्रेजेंट है, तो या तो ये जड़ उस सोर्स तक पहुंच जाए तो वहां से अपटेक कर लेगा, या तो न्यूट्रिएंट खुद इसके पास है। तो मास फ्लो में क्या होता है, मास फ्लो में क्या होता है कि जो आपका रूट पानी है ना, सॉल्यूशन है, उसी पानी में जो है न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उसी पानी में न्यूट्रिएंट क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। और जब आपका पौधा पानी तो अपटेक ही करता है, जब पौधा आपका पानी अपटेक करेगा तो उसी के साथ क्या अपटेक हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स भी अपटेक हो जाएंगे। तो इस टाइप से जब न्यूट्रिएंट का अपटेक होता है तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, मास फ्लो बोलते हैं। समझ गए नहीं, अबिरल समझ में आया, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं मास फ्लो। डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में कंसंट्रेशन होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। मान लो पोटेशियम को, देखो सिंपल सी बात है, जो जड़ है उसके पास कोई भी न्यूट्रिएंट कम होगा और बाहर वाले एरिया में न्यूट्रिएंट ज़्यादा होगा। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारा न्यूट्रिएंट मूव करेगा, तो उस मेथड को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अगला हमारा रूट इंटरसेप्शन होता है, उसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लो पोटेशियम है तो यहाँ पे आके क्या होगा, आयन एक्सचेंज होंगे, ये हमारा K प्लस अपटेक करेगा और कोई नेगेटिव आयन रूट हमारा रिलीज करेगा। ये तीन मेथड होते हैं, मास फ्लो, रूट इंटरसेप्शन और डिफ्यूजन। ज़्यादातर न्यूट्रिएंट मास फ्लो से जाते हैं, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन और जिंक हमारे डिफ्यूजन से जाते हैं। जिंक हमारा एक ऐसा तत्व है जो तीनों मेथड से बराबर मात्रा में जाता है, ठीक है, बाकी तो पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, अरे सिंपल है यार, तुम ग्लूकोन डी पीते हो, है ना, या पानी में क्या मिला के पीते हो, ग्लूकोन डी, तो पानी पी रहे हो उसी में ग्लूकोन डी भी मिल गया, तो शरीर में क्या चला गया, ग्लूकोन डी भी चला गया। तो ये मेथड में मास फ्लो, न्यूट्रिएंट हमारा किस में घुल जाएगा, पानी में घुल जाएगा, उस वो पानी जब पौधा अपटेक करेगा तो उसी के साथ क्या चला जाएगा, न्यूट्रिएंट भी चला जाएगा, ठीक है। चलो अब आप नहीं समझे, इतने समझाने के बाद भी तो अब आप लेट आए, हम क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आप ही भी एक बार पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, ठीक है। चलो अगला है, मैग्नीशियम इज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ क्लोरोफिल, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में क्या जरूरी है, मैग्नीशियम, क्योंकि जब आपको क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो उसमें है ना मैग्नीशियम क्या होता है, सेंट्रल एटम होता है ना, मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होता है, फिर उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, उसके किनारे किनारे क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं। तो मैग्नीशियम इज द सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में कौन सा तत्व मदद करता है, मैग्नीशियम। बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल का बनना संभव नहीं है, और बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस होना संभव नहीं है। तो वही सवाल लिखा है कि मैग्नीशियम इज द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, और वो क्लोरोफिल किसका एसेंशियल कंपोनेंट है, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बिना मैग्नीशियम के प्रेजेंस के नहीं होगा। अगला है, जो क्लोरोफिल होता है उसमें 15-20% ऑफ टोटल मैग्नीशियम इन द प्लांट, मतलब जितना प्लांट में मैग्नीशियम होगा उसका 15-20% तो केवल क्लोरोफिल के पास होगा, ठीक है। चलो, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल
इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम होगा, यह ना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम जानते हो ना, ठीक है। हाँ, राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। कौन से राइबोसोम का? राइबोसोम आर हाउ, कितने टाइप के होते हैं? वो कितने प्रकार का होता है? कौन सा? राइबोसोम के प्रकार नहीं होते हैं। तो वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से? अरे 70S राइबोसोम और 80S, है ना, दो प्रकार के होते हैं। चलो ठीक है, वो सब हमारा पार्ट नहीं है ना। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब सिंथेसिस नहीं होता है। क्या क्या बोल रहे भाई, ये क्या? यस, किस किस क्यों यस पढ़ा वो? चलो ठीक है, अपने सर से पूछना ना। ठीक है, बैठ जाओ ना। ठीक है, चलो पूछ के बताना है ना। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका होता है? राइबो। तुम भी थोड़ा सा होमवर्क करो, देख के आना तो बताना, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट किसका होता है? राइबोसोम का, ठीक है। और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में भी कौन मदद कर रहा है? मैग्नीशियम। क्योंकि ये भी सवाल आता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन होता है, तो मैग्नीशियम होता है। समझ गए कि नहीं? इट रिक्वायर्स फॉर फॉस्फोरिलेशन एंजाइम इन CHO मेटाबॉलिज्म। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का CHO मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। पूरा नहीं लिखा है, C6H12O6 नहीं लिखा हुआ है। तो हमारा CHO के मेटाबॉलिज्म में भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैग्नीशियम, है ना। इट इज़ नीडेड फॉर फॉस्फेट ट्रांसफर फ्रॉम ATP टू, है ना, जो ATP का ट्रांसफर होता है उसके भी ट्रांसफर में मतलब मदद कौन करता है? मैग्नीशियम। ये सब मैग्नीशियम का काम है, समझ गए कि नहीं? तो काम से सवाल आ जाता है कभी कभी। जैसे मेनली तो इसका यही पूछा जाता है कि क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम कौन होता है, तो मैग्नीशियम होता है। या ये पूछ लेता है कि जो राइबोसोम होता है उसमें कौन मदद करता है प्रोटीन सिंथेसिस में, तो मैग्नीशियम मदद करता है, ठीक है। अगला इसकी, हाँ क्या, नहीं, जो तुम कॉफिशियंट बोल रहे हो ना, एक्चुअली वो तो जैसे हमारा 70S है तो वो 50+30 में लिखते हैं हम लोग, है ना। तो वो तुम ऐसे 50, 30, 80 जोड़ते हो तो 70 है। वो एक्चुअली सब यूनिट है उसका, कि 50 और 30 है ना। नाम यस क्यों पड़ा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, परसों बताना पता करके। तुम लोग भी कुछ ढूंढो, लिखा है तो ढूंढ के बताना। एस नाम क्यों, उसे एस क्यों बोलते हैं? ठीक है, पता नहीं, चलिए क्या पता आपका सही हो, पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा। एक बार देख, हाँ देख लेना शायद एक बार आप लोग, है ना। चलो, है ना, आप लोग देख के बताइएगा। तुम एक बार देखना, शायद कुछ और आंसर है इसका। चलिए थोड़ा सा होमवर्क करिए आप लोग, प्रयास कर, हैबिट डालो होमवर्क करने का, है ना, ठीक है। अगला, चलो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, इधर ध्यान दो, बहुत हो गया। अरे ये सब बहुत, कैल्शियम वगैरह में कहाँ ज्यादा सवाल आता है? गिने चुने 10 सवाल होते हैं, है ना। आप लोग इतने देर में थक गए,
अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे हम, है ना। वो टीचर कैसा जो आप लोग कहें और हम माने ना, ये कैसे संभव है। तो ये बंद करते हैं, कुछ और पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो आप, मैं आप लोगों से आज सुनूंगा कुछ जो आप लोगों ने पढ़ाया है, है ना, है ना। नहीं नहीं, आप लोगों का अगर नहीं पढ़ने का मन है, नहीं नहीं, तो जब देखो जब समझ में आना बंद तो पढ़ाई बंद। तो मैं ये मानता हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि समझ में आना चाहिए। अब एक बार कह दिया नहीं आ रहा है तो मतलब नहीं आ रहा है, आप पूछना पड़ेगा, है ना। अब तुम लोग जो है तो वो लोग चलो ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। चलिए अब एक एक लोगों सुनेंगे, कापी बंद है ना, कापी नहीं लाए तो बहुत अच्छी बात है। भैया खड़े हो जाइए आप लोग, एक एक लोग, नहीं कोई दिक्कत नहीं, बताओ कुछ, सुनेंगे नहीं तो कैसे याद होगा। तुम बताओ कि जो राइस का स्ट्रॉ होता है ना, जो पैडी जानते हो कि नहीं, धान का जो स्ट्रॉ, उसको जानवर क्यों नहीं खाना पसंद करना, उसमें क्या होता है, सिलिका होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। अगला बताओ कि वीट का जो इंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है कि ट्रिप्लॉइड होता है, कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और जो हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम होता है वो कैसा होता है, हेक्साप्लॉइड होता है कि ऑक्टाप्लॉइड होता है कि टेट्राप्लॉइड होता है, कितने क्रोमोसोम होते हैं। वेरी गुड। सूजी किससे बनता है, मार्कोनी का साइंटिफिक नेम, बैठ जाओ तुम, मार्कोनी का साइंटिफिक नेम बताओ, जो लोग भैया ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर करते हैं, आंसर देख रहे हैं कि आप लोग क्या आंसर कर रहे हैं ना, बताओ मार्कोनी वीट का साइंटिफिक नेम बताओ, जल्दी बताओ, मुझे क्लास से पूछना है। इमर गेहूं का साइंटिफिक नेम बताओ, इमर गेहूं, बात नहीं प्लीज, क्या पढ़े हो। आयरन की एसेंशियलिटी किस साइंटिस्ट ने दी, एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट कितने हैं, लल्ला पढ़ाई करो तुम, बताओ देते, नहीं नहीं अब नया सवाल है ना, बदल गया। बोरान की एसेंशियलिटी किसने दी, वेरिंगटन। आयरन की किसने दी, ग्रीस ने दी। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी, लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया। धान के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं। फेलेरिस माइनर का जो कलर होता है वो 50 दिन पे कौन सा हो जाता है, नोड, उसके जो नोड के कलर होते हैं वो 50 डे, तो सरल कर दिया मैंने सवाल, पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। चलो ऑरिकल कितने होते हैं गेहूं में, लिगुला कितना होता है, एक। सुपर राइस के फादर कौन है, हाइब्रिड धान का सीड रेट कितना है, ठीक है बैठ जाओ। आप बताइए बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होता है, हाँ टेस्ट वेट कितना होता है, 21 क्या, 21 केजी टेस्ट वेट बता रही है, इसीलिए कहते हैं 21 ग्राम होता है। ब्लैक स्मट ऑफ व्हीट किससे होता है, काली गिरवी रोग गेहूं का, गेहूं का ओरिजिन प्लेस साउथ वेस्ट एशिया, धान का ओरिजिन प्लेस, धान में क्रोमोसोम नंबर 20, ट्रिटिकम ड्यूरम का क्रोमोसोम नंबर 28, बैठ जाइए। आप बताइए धान में, बताइए कि प्रोटीन कितना होता है, धान के प्रोटीन का नाम बताइए, सॉरी धान में कौन सा जीन पाया जाता है, गेहूं में प्रोटीन, कौन सी ऐसी वैरायटी है गेहूं की जो हमारा टर्मिनल स्ट्रेस जो आता है जनवरी फरवरी के पास पास में, वो कौन सी ऐसी वैरायटी है जो अभी डेवलप हुई है जिससे वो रेसिस्टेंट है, हाँ क्या पढ़ी है, राइस बुरा याद है, चलिए ठीक है। राइस में स्टेमन कितने होते हैं, हाँ जो हमारा बंगाल फेमाइन था वो किस डिजीज के कारण हुआ, कब आया,
क्या 1943 1943 एलमिंथो स्पोरिया मोराई जी, ठीक है। सीथ ब्लाइट किससे होता है धान का? नहीं, झोंका किससे होता है? ब्लास्ट ऑफ राइस, ब्लास्ट ऑफ राइस होता है पायरीक्लोरिया और राइजाई। सीथ ब्लाइट होता है राइजोक्टोनिया सोलेनाई, ठीक है। बैठ जाइए, पढ़िए, है ना। आप बताइए कि गेहूं में प्रोटीन कितना होता है? ये बात नहीं, प्लीज जिसको बात करना हो क्लास से जाओ यार। तुम लोग भी अपने मन में आंसर सोचो जो मैं पूछ रहा हूँ, सुनाई तो सबको पड़ रहा है ना। हाँ बताइए, गेहूं के प्रोटीन को कहते क्या हैं? हाँ, वेरी गुड, ग्लूटीन कहते हैं। जो हमारी बेकिंग क्वालिटी होती है, रोटी रोटी जो होती है वो फूलती है, वो किसके कारण फूलती है? सूजी के कौन से गेहूं से बनता है? उपमा किससे बनता है? उपमा बनता है डाइकोकम से, सूजी बनती है ड्यूरम से, है ना। पढ़ा करो, ठीक है। ये बताइए कि जो धान होता है उसमें स्टेमन कितने होते हैं? जो हमारा ब्राउन मैन्योरिंग होती है उसमें कौन सा हर्बिसाइड प्रयोग करते हैं? अच्छा आप बताइए कि डिजीज याद है, कॉजल ऑर्गेनिज्म? पढ़िए, है ना, ऐसे काम नहीं बनेगा। आप बताइए कौन सा फसल पढ़िए? राइस में स्टेमन बताइए, राइस का फैमिली बताइए, राइस का क्रोमोसोम नंबर, वीट की, अच्छा वीट की, चलिए वीट की। ये बताइए ब्लास्ट ऑफ राइस किससे होता है? पायरीक्लोरिया ओराई जी, है ना। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? हेलमिंथो स्पोरियम ओराई जी। राइस में स्टेमन कितने होते हैं? क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी? चलिए ठीक है, पढ़िए, है ना। आप भैया खड़े हो जाइए, आप बताइए कि गेहूं का साइंटिफिक नेम बता दो, और मार्कोनी वीट का, कौन से वीट से सूजी बनती है? लॉ ऑफ मिनिमम किसने दिया? अभी नया क्लास ज्वाइन की हो ना, आम मतलब अभी क्लास रिसेंटली में ज्वाइन की हो ना। चलिए ठीक है, मैं ना पढ़ो, ठीक है। आप खड़े हो जाइए भैया। हाँ, ये बताओ कि क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी? बाकी लोग केवल सुने, बात ना करें प्लीज, क्योंकि मुझे सोचना पड़ रहा है क्वेश्चन, ऐसे डिस्ट्रैक्ट मत करो। बताओ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी? कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं पौधों के लिए? कितने आवश्यक पोषक तत्व हैं? द्वितीयक पोषक तत्व का नाम बताओ। गेहूं में गुणसूत्र संख्या बताओ। हाँ, गेहूं का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन प्लेस। पढ़ो, है ना, बैठ जाओ, तुम लोग पढ़ाई करो। जो लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं बेसिक क्वेश्चन का, वो अपने आप को इम्प्रूव करने की जरूरत है। जमाल खड़े हो जाओ, तुम बताओ करनाल बंट गेहूं का किससे होता है? कॉजल ऑर्गेनिज्म बताओ, कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ करनाल बंट, कौन सा केमिकल इसमें प्रोड्यूस होता है? कौन बताएगा कि करनाल बंट में कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होता है? बाकी लोग क्यों नहीं, मैंने हाईलाइट किया था इसे कि आप प्लीज इसे पढ़ लीजिएगा। इसी बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने यह सवाल पूछा है, क्या होता दे, ट्राई मिथाइल एमीन टीएमए, किसने खोजा करनाल बंट? मित्रा ने खोजा, है ना। पढ़ो, है ना, ब्लास्ट ऑफ राइस किससे होता है? पायरीक्लोरिया ओराई जी। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, राइस में हलिंग परसेंट, मिलिंग परसेंट 55%, ठीक है। ये बताओ कि ब्राउन मैन्योरिंग में कौन सा केमिकल प्रोड्यूस, मतलब सॉरी कौन सा हर्बिसाइड का यूज करते हैं हम लोग? 2,4-D और बिसपायरीबैक सोडियम है, जिसे हम लोग नॉमनी गोल्ड के नाम से मार्केट में आता है, ठीक है। कौन सी गेहूं की प्रजाति है जो हीट के प्रति टॉलरेट है? वेरी गुड, बैठ जाओ, आप खड़े हो जाइए। नेक्स्ट क्या पढ़ के आई हैं? देख देख कभी हम बताना है। आप बताइए गेहूं का वैज्ञानिक नाम बताइए। क्या गेहूं का साइंटिफिक नेम पूछ रहा हूं, वीट का
ट्रिटिका मेस्टिबम। सूजी किससे बनता है? ट्रिटिकम ड्यूरम से। बैठ जाइए, आप बताइए उपमा किससे बनता है? ट्रिटिकम डाइकोकम से। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस किससे होता है? राइस में हलिंग परसेंट, राइस में हलिंग 66%। मिलिंग परसेंट कितना होता है? 55%। ठीक है, और बताइए कि जो हमारा ये बताइए कि येलो स्मट क्या कहते हैं, येलो रस्ट ऑफ व्हीट किससे होता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस्ट्रिटिस आई है ना। गेहूं की कौन सी प्रजाति है? हाँ, स्ट्रिफॉर्मिस। ठीक है, क्योंकि उसमें स्ट्रिप बन जाता है। कौन सी गेहूं की प्रजाति है जो हीट के प्रति टॉलरेट है? अभी पढ़ाया था ना, लेटेस्ट डेवलप हुई है। एच डी 3385। एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट कितने हैं? बैठ जाइए, आप बताइए एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट कितने हैं? आप बताइए एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट कितने हैं और एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं? 17। आप बताइए सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का नाम बताइए। ठीक है, कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं? कौन कौन से? और अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं? मॉलिब्डेनम को। ठीक है, सेकेंडरी कौन कौन से हैं? ठीक है, मिनरल कितने हैं, एसेंशियल मिनरल कितने हैं, है ना? कौन सा नहीं है एसेंशियल मिनरल? कौन सा नहीं है? मतलब 14 ठीक है, मिनरल है, कौन सा मिनरल नहीं है जो मिनरल से ना मिलता हो? कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नहीं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए कोई मिनरल नहीं देते हैं हम लोग, कार्बन के लिए नहीं देते हैं, हाइड्रोजन के लिए नहीं देते हैं ना। हाइड्रोजन वाटर से मिल गया, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। अब अगले क्लास से आप लोग जितना पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ के आइए, है ना। मैं बहुत सारा पढ़ा दूं, आप लोग 10% भी नहीं याद करेंगे कोई मतलब नहीं है। मैं हर क्लास में दोनों सब्जेक्ट को मिला के पूछूंगा, ठीक है। तो लास्ट के 10 मिनट आप लोग पढ़ के आइए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना।
को नहीं पता। हेलो, पेन ड्राइव ले लो यार, उधर से पीछे से एक लोग पेन ड्राइव ले लो। रिवीजन कर रहे हैं सभी लोग, याद है थोड़ा बहुत? थोड़ा सा बता दीजिए पहले, देखते हैं पढ़कर कौन कौन आया, कौन कौन पढ़कर नहीं आया। ये और लोग कहाँ गए इधर से सब? ये थोड़ा सा पहले पिछला वाला आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए सोमेटो गैमी हमने आपको बताया था, सोमेटो गैमी हमने बताया था, किसी किसी बुक में इसको एनास्टोमोसिस भी लिखा है। तो एनास्टोमोसिस सोमेटोगेमी एक ही बात है, और जब भी कहीं पर भी ये टर्म आए कि सोमेटिक हाइफी का या सोमेटिक माइसिलियम का फ्यूज़न जो है वो क्या कहलाता है, तो आंसर हमेशा या तो सोमेटोगेमी होगा या फिर क्या होगा, एनास्टोमोसिस। और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इनमें से किस फंजाई में जो है वो एनास्टोमोसिस पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा एग्रिकस बिस्पोरस और राइजोक्टोनिया। एग्रिकस बिस्पोरस तो वाइट बटन मशरूम का कॉमन नेम है, और फंगस जो दूसरी है वो है राइजोक्टोनिया। ठीक है, आ जाइए आ जाइए। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। उसके बाद एक अलग तरीके का पैरा सेक्सुअलिटी बताया था मैंने आपको, रिप्रोडक्शन था। एक तो सेक्सुअल होता है, एक एसेक्सुअल होता है। एक सेक्सुअल एसेक्सुअल के बीच का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग पैरा सेक्सुअलिटी बोलते हैं। और आपको मैंने ये भी बताया था कि पैरा सेक्सुअलिटी जो है वो ऐसे कभी नहीं पूछा जाता कि डेफिनेशन क्या होती है, किसने दिया था और किस फंगस पर काम करके दिया था। ठीक है, किसने दिया था? पोंटे कार्वो रोपर का या नाम याद रखिएगा। किस फंगस पर काम किया था? तो अगर इम्परफेक्ट पूछेगा तो एस्परजिला स्नाइडुलेंस, परफेक्ट अगर पूछेगा तो एमेरिसेला नाइडुलेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो फुलिश डिजीज ऑफ राइस होती है उसका अगर आप सिम्टम देखेंगे तो बीच में से नर्सरी में या फील्ड में एक प्लांट जो है वो इलोंगेट कर जाता है, लंबा निकल जाएगा। तो ये जो होता है ज़िब्रेलिन हार्मोन फंगस प्रोड्यूस करती है, और ज़िब्रेलिन हार्मोन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाने की वजह से उसमें ग्रेन का फॉर्मेशन फिर नहीं होता है। तो ये एक डिजीज़ है जिसको बोलते हैं फुलिश डिजीज़ ऑफ राइस, को साइंटिस्टों ने इसको फुट रॉट ऑफ राइस भी कहा, और जापान में इसको बोलते हैं बकेने डिजीज़। तो याद रखिएगा तीनों नाम जो है वो एक ही है, अलग अलग लोकेलिटी पर अलग अलग नाम लिए जाते हैं। बकेने डिजीज़ ऑफ राइस हो, चाहे वो फुट रॉट ऑफ राइस हो, चाहे वो फुलिश डिजीज ऑफ राइस हो, सभी का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो सेम होगा। इम्परफेक्ट स्टेज होगी फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मी, और परफेक्ट स्टेज होगी ज़िब्रेलिन से, याद रखिएगा ज़िब्रेला फ्यूजिकोराई। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ और होती हैं फंगस जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट आपको याद रखनी है। उसमें मैंने आपको बताया था रेड रॉट ऑफ शुगर कैन याद रखिएगा।
अगर इम्परफेक्ट आपने पढ़ी होगी कोलेक्ट्रोट्राइकम फेलकटम, उसकी परफेक्ट हमेशा होगी ग्लोमेरेला कुकुमेनेंसिस। इसी तरीके से एंथ्रैक्नोस ऑफ मैंगो होता है, वो होता है कोलेक्ट्रोट्राइकम ग्लियोस्पोरेडिस से, उसकी परफेक्ट स्टेज होती है ग्लोमेरेला सिंगुलाटा। तो इसी तरीके से ये जैसे राइजेक्टोनिया है, इसकी थैनेटोफोरस है, पायरिकुलेरिया है, उसकी मैग्नोपोर्थी है, ठीक है, और ये हेलमिंथोस्पोरियम है, इसकी कोक्लियोबोलस है। तो ये आप सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में। इसके बाद आगे स्टार्ट कराएंगे हम लोग सिम्टम, ठीक है, और सिम्टम पढ़ने के बाद फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पे आएंगे, ठीक है। तो सिम्टम स्टार्ट करने से पहले देखें कि आप लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से आपसे खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। अच्छा आप बताइए, क्या नोट करवाया था मैंने आपको, कौन कौन सी डिजीज बताई थी? रेड रॉट ऑफ सुगर कैन किससे होती है? फ्यूजेरियम बिल्ड करती है रेड रॉट। कोई भी इधर उधर बातें ना करे, नोट्स में मैं बंद कर दो, क्यों झांक रहे हो उसमें, सामने झांक रहे हो, बंद करो सब लोग। रेड रॉट ऑफ सुगर कैन होती है कोलेक्टोट्राइकम फाइलकटम। इन्होंने कहा था फ्यूजेरियम है, आपने कहा था ना फ्यूजेरियम, आप बैठे हैं बीच में, बताइए फ्यूजेरियम से कौन सी डिजीज होती है? फ्यूजेरियम से इन्होंने कहा विल्ट डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? विल्ट डिजीज। कोई एक विल्ट डिजीज बताइए और उसका पूरा नाम बता दीजिए। कोई भी आपस में बात नहीं करेगा। फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम, आप खड़े हो जाइए यहां से। इन्होंने कहा फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। आगे आपको याद है कोई इस, कोई भी फॉर्म स्पीसीज याद है आपको? पास वाले आप बताइए। इन्होंने कहा फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज उडम। सही बताया इन्होंने, गलत बताया? बात नहीं करेगा कोई। इन्होंने ये सही बताया गलत बताया, ट्रू एंड फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स? फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज उडम पीजन पीविल्ट, ट्रू है फॉल्स है बताइए? ट्रू है, ठीक है, ट्रू ही है। अब आप बताइए कोई दूसरी विल्ट बताइए। चिली बताइए फॉर्म स्पीसीज। कैप्सिकाई, फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज कैप्सिकाई, ये हो जाएगा विल्ट ऑफ चिली। कौन सी डिजीज हो जाएगी ये? बंद कर दीजिए। कौन सी डिजीज हो जाएगी ये? विल्ट ऑफ चिली, ठीक है। आप यहाँ से खड़े हो जाइए बीच में से। इन्होंने कहा फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज कैप्सिकाई विल्ट ऑफ चिली। हम कह रहे हैं फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज सिसराई, तो कौन सी विल्ट हो जाएगी? बात नहीं करेगा कोई। फिर ये क्या है? बात नहीं करो है, किसने बताया? सही सही बता दो ईमानदारी से। क्यों भाई क्या है, हैं, क्यों बता रहा हूँ? बाहर कर दें क्लास से, खड़ो। अच्छा तुम ही खड़े हो पहले, ज़्यादा पढ़कर आए हो क्या? तो क्यों बता रहे हो उसको, हंसवा दिया उसने तुम्हें? तुमने कहा है कि चिकपी बिल्ड होती फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम। अरे यार तुम लोग क्यों बोल रहे हो? फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम सिसराई, कौन सी बिल्ट है ये? सिसराई। आप बताइए फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम फॉर्म स्पीसीज क्यूबेंस। हाँ ठीक है, दोनों ने बताया, बैठ जाइए। ऐसा मत करना कभी क्लास से आउट कर देंगे। हाँ आप बताइए यहाँ से बीच में। हाँ आपको क्या दिया था, याद करने के लिए कुछ दिया था? आए नहीं थे, ठीक है, कल की क्लास में थे?
कल हमने यहाँ पे लगवाई थी ब्लैक स्कर्फ डिजीज ऑफ पोटैटो, नोट किया था आपने? किया था तो बताइए आप, ब्लैक स्कर्फ डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है? अच्छा हमने यहाँ सामने ही लिखा है यार, ये तो ये नोट किया है ना तुमने, तो इसमें से कोई डिजीज याद है रेड रोड को छोड़ के आपको? बगल वाले आपको बताइए, ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो क्या है? राइजोक्टोनिया, राइजोक, इन्होंने कहा टोनिया, राइजोक्टोनिया। आप बताइए दोनों में से कोई स्पीसीज बता सकता है क्या होगी? ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो आप बता सकते हैं? अरे ये जो रुमाल पकड़ कर बैठे हैं आप बता सकते हैं? पता है आपको राइजोक्टोनिया के आगे क्या है? पढ़ा था यहाँ से जाकर के रूम पे पढ़ा था, नहीं पढ़ा था कुछ भी है? तो क्लास नहीं लिया, आना चाहिए आपको। चलिए क्लास आपने नहीं लिया। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो पता है किससे होती है? नहीं पता है, बताइए। पैथोलॉजी इतनी हमने पढ़ा दी, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं पता है। आप लोग दो बीच में लोग बैठे हैं, और जब आपको लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो नहीं पता है तो हम 100% सियोरिटी से कह सकते हैं कि आपको कोई भी ऑजल कॉजल ऑर्गेनिज्म याद नहीं होगा। कैसे चलेगा बताओ? वो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो तो बच्चे को भी पकड़ लाओगे मेरी क्लास के तो वो बता देगा, तो पता होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ पैथोलॉजी में सब भूल जाना, लेकिन ये कभी मत भूलना लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पक्सीनिया मत कह देना, पक्सीनिया से होती है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आप बताइए पीछे, आप आपसे कह रहे हैं। हाँ क्या पढ़ा आपने, क्या दिया था आपको? बैठ जाइए। क्या दिया था आपको मैंने पढ़ने के लिए? कुछ भी नहीं दिया था। कल भी नहीं थी आप क्लास में शायद। वी ट्रस्ट बताइए आप, वी ट्रस्ट, पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसाई, कौन सा रस्ट है ये? ये है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। येलो बताइए, और ब्राउन, ठीक है इन्होंने सही बताया, ब्राउन रस्ट है पक्सीनिया ग्रैमनिस रिकॉन्डेटा से, ठीक है। ट्रिटिसाई से है ब्लैक रस्ट, स्टीफॉर्मिस से है येलो रस्ट, याद रखना है। अब पीछे वाले इधर से हमने आप लोगों को डिजीज दी थी, कुछ नोट किया था आप लोगों ने कि नहीं? किस किस को डिजीज दी थी हमने याद करने के लिए, हाथ उठाओ। ठीक है पीछे से बताइए आप, खड़े हो जाइए। कौन कौन सी डिजीज दी थी मैंने आपको बता दोगे? पक्का नहीं बता पाए तो कल वाला छोड़ दें, उसके पहले वाला बता दोगे? सोयाबीन डस्ट बताओ। हाँ हाँ सही बता रहे हो, बैठ जाओ बैठ जाओ, पढ़ने वाले बच्चे हो तुम। फेकोस्पोरा पैकिराइजी, पढ़ने वाले बच्चे पता चल जाते हैं, भले वो फेकोस्पोरा नहीं कह पा रहे लेकिन उन्होंने अगर फेको कह दी इसका मतलब वो पढ़कर आया है, और जो पढ़ के नहीं आया उससे हम पूछेंगे तो वो निगाह ऐसे ऐसे करेगा अपनी, चुराएगा, कुछ पता ही नहीं है उसको, तो ऐसा मत करिए। उनके पड़ोसी साथ में खड़े हो जाएं आपके, क्या पढ़कर आए हो, कुछ याद है कोई डिजीज पता? कल वाली याद है? बताओ ब्लास्ट ऑफ राइस, उनके आगे वाले खड़े हो जाएं, ब्लास्ट ऑफ राइस, इन्होंने कहा पायरिकुलेरिया और आईजी, बगल वाले जो खड़े हैं इनके यहाँ, ट्रू या फॉल्स? हाँ खड़े हो जाए, ट्रू या फॉल्स, मतलब पायरिकुलेरिया और आईजी जो हैं, बगल वाले खड़े हो जाएं, ट्रू या फॉल्स? सही है, सब सही बता रहे हैं, कोई गलत नहीं बता रहा है। आगे वाले खड़े हो जाएं, शर्ट जो वाइट शर्ट पहने उनके आगे, हाँ आप, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, इन्होंने कहा पायरिकुलेरिया और आईजी कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया और आईजी, ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई पायरिकुलेरिया और आईजी, ट्रू या फॉल्स? हम कह रहे हैं पायरिकुलेरिया और आईजी, सॉरी ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई मैग्नोपोर्थी ग्रिसी। आप वाइट शर्ट वाले बैठ जाइए, आप चार लोग खड़े हैं, कौन कौन कह रहा है ट्रू है वो हाथ उठाए। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, ब्लास्ट ऑफ राइस कॉज्ड बाई मैग्नोपोर्थी ग्रिसी,
ट्रू कौन कह रहा है वो हाथ उठाए। हैं? ब्लास्ट ऑफ राइस डिजीज कॉज्ड बाई मैग्नोपोर्थी ग्रिसी। फॉल्स है, पीछे वाले बताओ। फॉल्स है, पीछे बताओ। फॉल्स है ना, पीछे वाले तुम भी फॉल्स बताओगे। भेड़ चाल चलते हो तुम लोग, एक ने ट्रू बता दिया तो सब ट्रू, एक ने फॉल्स बोल दिया तो सब फॉल्स। हाँ क्या है, ट्रू है? अच्छा नहीं पता, छोड़ दो। ट्रू फॉल्स है तो मतलब एक चीज़ तो लगानी पड़ेगी ना, ट्रू लगाओ या फॉल्स लगाओ। हैं? पता नहीं, छोड़ दोगे। पायरिकुलेरिया की जो परफेक्ट स्टेज है वो मैग्नोपोर्थी है, लिखा भी था, देखो मैंने ये लिखा है, ये देखो, राइस ब्लास्ट डिजीज कॉज्ड बाय पायरिकुलेरिया और आईजी और इज इक्वल टू मैग्नोपोर्थी ग्रिसी, ये परफेक्ट स्टेज है। तो अगर राइस ब्लास्ट ऑफ हम कहें कि पायरिकुलेरिया से हो जाती वो भी ठीक है, अगर हम कहें कि मैग्नोपोर्थी ग्रिसी से होती है तो वो भी ठीक है, वो गलत नहीं है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, सही बैठ जाइए, पढ़िए आप लोग, आगे वाले खड़े हो जाएं। हाँ आप क्या पढ़कर आए हैं, आज पहली क्लास है? ठीक है बैठ जाइए। आपकी 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 तो पहली नहीं है, बताओ क्या पढ़कर आए हो? पढ़कर ही नहीं आए हो। पैथोलॉजी में कोई तो डिजीज पता होगी, कोई डिजीज नहीं मालूम। कौन सी क्लास, मेरी सारी क्लास की? मेरी सारी क्लास की आपने? सेकंड है, लास्ट कल वाली क्लास की थी, कुछ है याद कल वाली क्लास है? पूछें थोड़ा सा, नहीं पढ़े, पढ़ना चाहिए यार। बैठ जाइए, आप बताइए यहाँ से। आपने क्या पढ़ा है पूछ लें, तो बताइए लिंसी ट्रस्ट किससे होता है? लिंसी ट्रस्ट किससे होता है? मेलमसोरा लाई नहीं। आगे वाले बताइए, पी रस्ट, पी रस्ट। बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए आप बताइए इधर से, मोबाइल बंद कर दो, बाहर कर देंगे, खड़े हो जाओ। पी रस्ट बताओ क्या? अच्छा चार डिजीज दिए थे, कौन कौन से दिए थे? वीट दिए थे, एप्पल स्केप ही बताओ, एप्पल स्केप। हाँ इन्होंने सही बताया, बैठ जाइए आप। इन्होंने बताया एप्पल स्केप कॉज्ड बाई वेंचुरिया, नहीं वो खड़ा होता है, तुमको क्यों हंसी आने लगती है? हैं? तुम ही खड़े हो, चलो खड़े हो। क्या दिए थे तुमको, कौन कौन सी चाय, जो पूछ लें बता दोगे? नहीं बता पाए क्या? कुछ तो रहेगा, बताइए। पीरस्ट बताइए, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। पीरस्ट बताइए, कोई डिजीज पता पैथोलॉजी में, कौन सी पता? कोई रस्ट बताइए, पी के अलावा कोई रस्ट बताइए। एप्पल स्केप किससे होती है? आराम से सोच लो, एप्पल स्केप, जल्दबाजी नहीं, बात नहीं है। इनस्टाइटिस नहीं, इनइक्वेलिस, वेंचुरिया याद रहेगा ना। बैठ जाओ, पढ़ा करो बेटा। हाँ आप क्या कह रहे हैं, आप बताइए। बंट ऑफ वीट, हाँ बंट, करनाल तो हमने पढ़ा ही नहीं यार अभी, करनाल हमने पढ़ाया नहीं है अभी, और मेरी आदत है हम जो पढ़ाते हैं वही पूछते हैं, मेरे उधर नहीं भागते हैं यार। क्या हुआ तुम तो फ्यूज हो गए एकदम से, रंगबाजी में खड़े हुए थे, कुछ भी पूछ लो यार। पता है तो हमें कैसे पता चलेगा पता है? हैं? ऑप्शन यार, ऑप्शन कैसे देते हैं बताओ ना, कॉमन मंट पता है तो बता क्यों नहीं रहे हो? कॉमन बंट ऑफ वीट, चलिए छोड़िए। अच्छा बताइए डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ डिजीज किससे होती है? हाँ डैम्पिंग ऑफ, अरे यार किसमें क्या होता है यार
किसमें क्या होता है? डैम्पिंग ऑफ, डैम्पिंग ऑफ है, एक ही उसकी फंगस लिखवाई हमने जीनस, कोई वेजिटेबल्स में होता है? वेजिटेबल नर्सरी की सीरियस डिजीज है, मैंने बता, बात कौन कर रहा है? तुम दूसरा भी नहीं बता पाए, डैम्पिंग ऑफ भी आपको नहीं पता, कॉमन बंड भी आपको नहीं पता, डिजीज का नाम पूछे? अरे भाई डिजीज ही तो पूछ रहे हैं, डैम्पिंग ऑफ डिजीज किससे होती है? फंगस का नाम हम बता देंगे, फिर तुमको याद करने की जरूरत क्या? फंगस के नाम याद करे जाते हैं। हाँ बताओ, आराम से सोच लो, फिर याद आया बता देना, पड़ोसियों ने मदद करी ना, फिर उनको हम बताएंगे। आप पीछे से खड़े हो, चश्मा लगाएं, इधर क्या झांक रहे हो नीचे? नहीं ऐसे कर रहे थे ना तुम साइड से, पड़ोसी आपको कौन सी डिजीज दी थी? दी थी कोई डिजीज हैं? सब पूछ लें, कल वाली छोड़ के, सब लोग यार कहते हैं सब पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। आप बताइए, लूज स्मट, अस्टिलागो, ईयर कोकिल, ईयर कोकिल डिजीज ऑफ वीट, बैठ जाइए, उन्होंने बताया ईयर कोकिल डिजीज ऑफ वीट कॉज बाय एंगोनाइटिस आई, ठीक है। आप बताइए लास्ट आपको क्या दिया था, कौन कौन सी दी थी, किससे होती रेड रॉट? कोलेक्टो ट्राइकम फैलकटम, किससे होती है? बोला करो आप लोग, ऐसे ही याद हो जाएंगे सारे नाम, कोलेक्टो ट्राइकम। आप बताइए दूसरी डिजीज बताइए, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस, दूसरे ने बताया किससे होता है, जोर से बोलो यार, बैठ जाओ, इन्होंने बताया हेलमिंथस पोरियम ओराइजी, पास वाले खड़े हो जाएं। आपको दी थी कोई डिजीज, कौन कौन सी? हाँ और मैलम सोरा दिया था, कौन सी डिजीज मैलम सोरा से? बात कौन कर रहा है? लिंसी ड्रस, बैठ जाइए, आए याद क्या यूनिसिला? बात ना करो यार, अंसिलोना निकेटर होता है वो, और वो पाउडरी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स है, वो भी हमने नहीं पढ़ाया अभी, अभी हमने जो डिजीज आपको बताई नहीं आप वो बता रहे हो। आप पास वाले खड़े हो जाएं, पहली क्लास है, पास वाले खड़े हो जाएं, डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स शुरू में बताया था हिस्ट्री में, कई बार बताया था, बहुत से बच्चों को याद होगा, डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स। पीछे वाले खड़े हो जाएं, आप बताइए, उसके बगल वाले हैं, ग्रेप्स वाली क्लास में थे नहीं, हिस्ट्री में तो बताया था, हिस्ट्री में बताया था, पी एम इलाडेड बताया था, पी एम इलाडेड वाली क्लास सुना था, पी एम इलाडेड का नाम सुना है? बोर्डेक्स मिक्सचर बताया था नहीं? सुना ये सब हिस्ट्री में पढ़ाया, बोर्डेक्स मिक्सचर। अच्छा आप एफ ओ वाले में थे तो नहीं बताया होगा, हैं एफ ओ वाले में भी हिस्ट्री हमने बताई थी और ये सब बताया था। अच्छा बैठ जाइए, बैठ जाइए सर, बैठ जाइए, आप खड़े हुए पीछे ब्लैक टी शर्ट में, किससे पूछ रहे हो? डाउनी मिल्ड ऑफ ग्रेस बताइए, क्या बात कर रहे हो यार, डाउनी मिल्ड ऑफ ग्रेस बताइए, कोई डिजीज पता है? कोई भी डिजीज नहीं मालूम, कल वाली कुछ पता है? क्या डिजीज याद है कौन सी है? बैठ जाओ, आपकी कौन कौन सी डिजीज दो बताई थी हमने, एक कॉमन बंड बताया है और दूसरा डैम्पिंग ऑफ पीथियम है और दूसरा है टिलेसिया। बैठ जाइए, पढ़िए आप लोग, ऐसे काम नहीं चलेगा। कॉजल ऑर्गेनिज्म जितने हैं उसको एक अलग पेज पे लिख लीजिए और उनको रिवाइज करा करिए, क्योंकि ज़्यादातर जो पैथोलॉजी क्वेश्चन बनते हैं उसमें डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, समझ रहे हैं? डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म पूछा जाता है, तो ये आपको याद होना चाहिए हर हालत में,
आप बाकी चीज़ें बढ़ा रहे हैं, हो सकता है वो आपके दिमाग से निकल जाए, लेकिन डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे लेट ब्लाइट, तो आप इन्फेस्टांस अगर ना बता पाएँ तो आप फाइटोफथोरा बताएँ। ऐसा कभी नहीं करें लेट ब्लाइट के को आप पक्सीनिया बता दें या वीट रस्ट को आप फाइटोफथोरा बता दें, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल गलत है। तो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ाएंगे सिम्टम। सिम्टम में मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था उसका जो टर्म है सिम्टम, इसमें लिखा विजिबल एक्सप्रेशन या मैनिफेस्टेशन ऑफ ए सक्सेसफुल होस्ट पैथोजन एंड एनवायरमेंटल इंट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन ऑफ होस्ट लिख लीजिएगा, होस्ट आफ्टर ऐड कर लीजिएगा इसके बीच में, लिखी हुई आपके पहले पास देख लीजिएगा उसको, थोड़ा सा ही गलत लिखी है। सिम्टम का मतलब होता है विजिबल एक्सप्रेशन प्रोड्यूस बाय होस्ट, होस्ट प्रोड्यूस करेगा आफ्टर ए सक्सेसफुल होस्ट और पैथोजन और एनवायरमेंट के इंट्रैक्शन से। मैंने कहना है मतलब ये, मैंने आपको डिजीज ट्रायंगल बताया था, ये बताया था होस्ट है, ये बताया था पैथोजन है, और ये है एनवायरमेंट। होस्ट मान लीजिए आपका ये पोटैटो है, और ये आपकी फंगस आई, पैथोजन मतलब फाइटोफथोरा आई, और यहाँ पर एक उसको फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिला तो यहाँ पर डिजीज़ हो जाएगी, और जब डिजीज़ होगी तो हमको मिलेगा एक विजिबल एक्सप्रेशन। विजिबल एक्सप्रेशन का मतलब जो एक्सप्रेशन हम देख सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विजिबल एक्सप्रेशन, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्टम। इस सिम्टम के बेस पे हम बताते हैं कौन सी डिजीज़ लगी है प्लांट में, किसके बेस पे बताते हैं सिम्टम के बेस। जैसे मैं अभी जितने भी नाम लेता हूँ लेट ब्लाइट में कहता हूँ, तो लेट ब्लाइट क्या एक सिम्टम है। मैं डैम्पिंग ऑफ कहता हूँ ये सिम्टम है, डाउनी मिल्ड्यू सिम्टम है, पाउडरी मिल्ड्यू सिम्टम है, डैम्पिंग ऑफ सिम्टम है, विल्ट ये सब एक सिम्टम है। इन सिम्टम के बेस पे बताते हैं कि कौन सी प्लांट में डिजीज लगी है सिम्टम के बेस। सिम्टम के बेस पे ही हम लोगों का भी इलाज होता है। सिम्टम अगर आ गए फीवर है तो उसका अलग इलाज है, वोमिटिंग हो रही है सिम्टम है उसका अलग ट्रीटमेंट है, सर में दर्द हो रहा है सिम्टम है उसका अलग दवा है। तो सिम्टम के बेस पे ही अगर जब आपको पता होगा कि डिजीज़ में ये कौन सी डिजीज़ है सिम्टम के बेस पे आपको पता होगा तभी आप उसका कर पाएंगे मैनेजमेंट। अगर आपको पता ही नहीं है कौन सी डिजीज़ है तो आप उसमें कौन सी फंजीसाइड डालेंगे, समझ रहे हैं। तो सिम्टम आपको पता होना चाहिए, और यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिम्टम क्या होता है, विजिबल एक्सप्रेशन होस्ट का, और सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम किसकी, पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू में हम कहते हैं कि डस्टी और वाइट पाउडरी अपीयरेंस प्रेजेंट ऑन अपर साइड ऑफ द लीफ। कहने का मतलब ये कि जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है अगर वो किसी प्लांट में लगी है तो आप उस प्लांट की लीफ देखेंगे, और लीफ पे देखेंगे कि अगर वाइट वाइट डस्ट है वाइट कलर की, या वाइट कलर का पाउडर है अपर सरफेस पर, लोअर पे नहीं अपर पे, तो आप कहेंगे ये कौन सी डिजीज है, पाउडर। एक जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा गया था पिछली साल कि पाउडरी मिल्ड्यू जो है वो किस पौधे की पार्ट पे आती है। ऑप्शन थे लोअर सरफेस ऑफ लीफ, अपर सरफेस ऑफ द लीफ, स्टेम या रूट। तो क्वेश्चन कहने का मतलब यही है, कभी कभी ऐसे ऑप्शन दे देगा फ्लावर स्टेम रूट फ्रूट या लीव्स। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो आपको देखने को मिलेगी वो आपको मिलेगी लीफ की अपर सरफेस पे। और सबसे अच्छा हम लोग देखते हैं जब फील्ड में जाते हैं, एक ब्लैक कलर का आप कपड़ा ले लीजिए और लीफ को इस तरीके से आप जब झाड़ेंगे उस कपड़े के ऊपर शेक करेंगे तो उस पर वाइट कलर का पाउडर आ जाएगा या डस्ट आ जाएगी। तो हम क्या देते हैं ये कौन सी डिजीज़ है, पाउडर मिल्ड्यू। तो याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा ये कि पाउडर मिल्ड्यू का सिम्टम कहाँ होता है, किस पार्ट पे होता है, या कभी कभी ऐसे पूछ लेगा डस्टी अपीयरेंस या पाउडी वाइट पाउडी वाइट डस्टी या पाउडी अपीयरेंस अपर सरफेस ऑन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड। तो आंसर वहाँ पर होगा पाउडरी मिल्ड्यू, समझ रहे हैं बात को। तो इसको आप नोट कर लीजिए, पाउडरी मिल्ड्यू बहुत सारी होती हैं,
पाउडी मिल्डी ऑफ पी होती है, पाउडी मिल्डी ऑफ वीट होता है, पाउडी मिल्डी ऑफ कुकरबिट्स होता है, पाउडी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स होता है, बहुत सारी पाउडी मिल्ड्यूज हैं, वो हम आपको अभी आगे जब क्लासिफिकेशन पर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि कौन सी पाउडी मिल्ड्यू कौन सी डिजीज कॉज करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पाउडी मिल्ड्यू ऑफ पी अलग फंगस से होती है, पाउडी मिल्ड्यू ऑफ वीट अलग फंगस से होता है, पाउडी मिल्ड्यू ऑफ आपका कुकुरबिट्स अलग फंगस से होता है, पाउडी मिल्ड्यू ऑफ एप्पल अलग फंगस से होता है। तो ये आपको आगे याद करना पड़ेगा, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। और याद रखिएगा, जब भी डस्टी और वाइट या पाउडी अपीयरेंस की बात हो, ठीक है, तो आंसर हमेशा होगा पाउडरी मिल्ड्यू। और जो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि कॉजल ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट के साइंटिफिक नेम, आप सोचें हम एक दिन में लिस्ट बना के सब याद रख लेंगे, हमें सब याद हो जाएंगे, या हम एक हफ्ते में सारे रट डालेंगे, तो आप जितनी देर में उसको रटोगे उतनी देर में भूल भी जाओगे। ऐसे कभी भी भूल मत करिएगा कि यार ये तो कॉजल ऑर्गेनिज्म तो बाद में याद होंगे। कॉजल ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट के साइंटिफिक नेम डेली सुनने से, डेली डिस्कस करने से, हमसे लिखने से, बार बार रिपीट करने से ही याद होते हैं, और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं लिस्ट बना ली इधर, लास्ट में पढ़ेंगे इकट्ठा रट जाएंगे, सब रट के सब याद हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाओगे, वहाँ पर एक आंसर आप नहीं बता पाओगे। कॉजल ऑर्गेनिज्म आप भले ही दिन में दो याद रखिए, लेकिन दो दिन में दो ऐसे याद होने चाहिए आप तुरंत उनको बता दें, लेट बोला आपके यहाँ फाइट अप होता है, हम क्या डैम्पिंग ऑफ आपके यहाँ पीथियम, समझ रहे हैं। जो जो लोग ऐसा करते हैं कि लिस्ट बना के सोचते हैं आज हम पूरा रट के जा रहे हैं, सर सुनेंगे सुना देंगे, वो हो जाते ब्लैंक, उनको लगता हम पढ़ के तो सब, हम तो सारे रटे हुए हैं, हमें सारे आ रहे हैं, लेकिन वो बता एक भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही आप कभी मत करिएगा कोशिश, आप साइंटिफिक नेम डेली दो तीन ऐसे याद करिए, हम बोल रहे हैं उसको सुनिए, साथी को बताइए, साथी से सुनिए, ऐसे याद होगा। मैं लगता है कि इसमें से 90% बच्चों को फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस तो याद ही होगा, और जिनको फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस याद नहीं है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो वो खुद सोचना है कि उनकी प्रिपरेशन बहुत ही पुअर है, कहीं एडमिशन उनका होने वाला नहीं है कहीं इनकी, क्योंकि हम पैथोलॉजी में मानते हैं कि आपको मान लो फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस नहीं मालूम है, तो वीट में आपको अभी जैसे सर बता रहे थे ट्रिटिकम एस्टिमम भी नहीं पता होगा, एक्सटेंशन में फिर एटावा पायलट प्रोजेक्ट भी आपको नहीं पता होगा, फिर उसमें आएंगे हम डेयरी में तो आपको दोयकाजी बकरी नहीं पता होगा कौन सी होती है, भारवाही आप नहीं जानते होंगे क्या होती है, डुअल पर्पज़ नहीं जानते होंगे क्या होता है, तो फिर हम सारे सब्जेक्ट में सोचते हैं ना, ब्रीडिंग में आएंगे तो आपको 3:1 का रेशियो नहीं जानते होंगे क्या होता है, एंटमोलॉजी में आएंगे तो हम आपसे कहेंगे कि मस्टर्ड एफिड का साइंटिफिक नेम बताइए, आप नहीं बता पाएंगे, आप यही नहीं बता पाएंगे कि एफिड का जो मेजर मस्टर्ड का जो मेजर पेस्ट है वो एफिड है, आप ये भी नहीं बता पाएंगे। तो हम हमेशा आपसे कहते हैं कि ऐसा मत नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट बहुत विद्वान बन जाइए, आप बेसिक उसका याद रखिए जो हम जो भी बता रहे हैं, एक्सटेंशन में जैसे इटावा पायलट प्रोजेक्ट हो गए सब बच्चा बच्चा जानता होगा, बीएससी एजी का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट पूछोगे वो बता देगा, तो आपको इस स्टेज पे सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, वीट का साइंटिफिक नेम, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये बहुत बेसिक है एग्रीकल्चर का, इससे बेसिक कुछ भी नहीं हो सकता, ईजी कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वो ऊसपोर जूसपोर तो बहुत आगे की कहानी है,
कोई भी आपसे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम एग्रीकल्चर का बीट नहीं होगा अगर आपको ये चीज़ें जो हमने बताई आपको नहीं पता होगी। इवन आप TA भी नहीं निकाल पाएंगे, सबसे हल्का एग्ज़ाम वही होता है एग्रीकल्चर में। तो थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करिए कि आप घर से हैं, पढ़ाई करने आए हैं, वापस घर जाएंगे तो क्या लेकर के जा रहे हैं यहाँ से। टाइम आपके पास अभी अच्छा खासा है तो जितना हो सके आप उसको रिवीजन करने में लगाइए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा होता जाएगा। उसके बाद आपका आता है डाउनी मिल्डी ऑफ ग्रेप्स होता है, ठीक है, डाउनी मिल्डी ऑफ बाजरा होता है, बहुत सारी डाउनी मिल्डी हैं, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिम्टम देखते हैं। जब भी सुपरफिशियल ग्रोथ की बात हो, जब भी कॉटनी ग्रोथ की बात हो, ठीक है, सुपरफिशियल या कॉटनी ग्रोथ वाइट माइसिलियम की हो और डाउनी सरफेस पे हो, मतलब लोअर सरफेस पे हो, तो समझ जाइए कौन सी डिजीज है, डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडी मिल्ड्यू, हम लोग, हाँ, पाउडी मिल्ड्यू अपर सरफेस, डाउनी मिल्ड्यू लोअर सरफेस। इसमें डस्ट नहीं होगी, इसमें जो ग्रोथ होगी वो कैसे होगी, कॉटन की तरह रोई होती है, चिपका दी आप ऐसे करेंगे तो गिरेगी नहीं, चिपकी रहेगी, इसी तरीके से डाउनी मिल्ड्यू में होता है। आप फील्ड में जाएंगे, आप देखेंगे, मान लीजिए अगर ग्रेप्स की फील्ड लगी है तो आप वहाँ जाएंगे, देखेंगे उसमें डाउनी मिल्ड्यू है या नहीं, लीफ लेंगे, लोअर सरफेस देखेंगे, वाइट वाइट रुई जैसा आपको उसके ऊपर माइसिलियम नज़र आ रहा है, तो आप उससे कहेंगे डाउनी मिल्ड्यू है, आप ये दवा डाल दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए। और जिनकी पहली या दूसरी क्लास थी या तीसरी क्लास थी उनसे हमने पूछा नहीं, वो अपना नोट्स कंप्लीट कर लें, PDF मैंने ग्रुप में डाल दी थी, देख लीजिएगा उसको, और साइंटिफिक नेम या कॉजल ऑर्गेनिज्म जो भी हैं उनको आप लिस्ट बना के याद कर लीजिएगा, ठीक है। और कहीं कुछ अगर समझ में ना आए कॉन्सेप्ट में तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, या फिर किसी दिन संडे को हम टाइम निकाल लेंगे और जिन बच्चों को छूटा हुआ था शुरू से लेकर आखिरी तक एक बार रिवीजन करा देंगे आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू नोट किया, याद रखिएगा कॉटनी टर्म जहाँ पर भी आए और डाउनी सरफेस पे या लोअर सरफेस पे जहाँ पर भी टर्म आए हमेशा आंसर होगा वहाँ पर डाउनी मिल्ड्यू। इसके बाद आपका एक आता है स्मट, सुना है आपने स्मट, लूज स्मट सुना है कि नहीं सुना है। तो स्मट क्या होता है, स्मट क्या होता है, लिखा है होल ग्रेन या ईयर कन्वर्टेड इनटू ब्लैक सूटी या चारकोल लाइक पाउडर। कहने का मतलब ये कि जो ग्रेन है आपका, अब ग्रेन कौन कौन सा होते हैं, ग्रेन कौन कौन से होते हैं, ग्रेमनीस में तो सारे ग्रेन आते हैं, तो आपके व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, तो आप अब देखिए आपसे यहाँ पे एक चीज़ और मिल गई कि जो स्मट है वो किस में होगा, बेसिकली ग्रेमनी फैमिली में होगा, समझ रहे बात को। तो जो ग्रेन होता है पूरा का पूरा ग्रेन जो है वो ब्लैक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं,
ये डिजीज जो है वो है लूज स्मट। कौन सी डिजीज है? आप फील्ड में जाएंगे और फील्ड में देखेंगे कि जो ईयर हेड होता है वीट का, उसमें ग्रेन ना हो करके ब्लैक कलर का पाउडर, क्या मिलेगा आपको? ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा। तो आप कहेंगे ये जो डिजीज है कौन सी डिजीज है? लूज स्मट डिजीज है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा के पूछ लेता है कि लूज स्मट जो है वो कौन से प्लांट पार्ट को अफेक्टेड करता है। तो कौन से प्लांट पार्ट को करता है? ईयर हेड या इनफ्लोरोसेंस, फ्लोरल स्टेज पे तो अटैक करेगा तभी तो ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। हाँ, तो आप कहेंगे कि सर वो सर ने तो कहीं पढ़ाया ही नहीं, तो आपको दिमाग खुद लगाना पड़ेगा कि स्मट डिजीज कहाँ लग रही है। ईयर हेड पे लग रही है, ग्रेन में लग रही है, इनफ्लोरोसेंस में लग रही है। जहाँ फ्लावर होगा वहीं तो सीड बनेगा भाई। ठीक है, डाउनी मिल्डी को हो रही है, लीफ पे हो रही है, पाउडी मिल्डी को हो रही है, लीफ पे हो रही है। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये कि जो आपकी लूज स्मट जब भी बात हो ब्लैक चारकोल लाइक पाउडर की या सूटी लाइक पाउडर की या सूटी चारकोल लाइक पाउडर की, तो आप समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, स्मट की बात हो रही है। या जब भी बात हो कि ग्रेन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक पाउडर में, या हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, डेफिनेशन वहाँ पर कैसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप तुरंत पकड़ लें। अच्छा, ब्लैक कलर पाउडर है तो इसका मतलब स्मट होगा, क्योंकि जब IBPS वगैरह के आप क्वेश्चन वगैरह देने जाएंगे बैंक वगैरह में, क्या करता है वो एग्जामिनर, क्वेश्चन पूछेगा 1857 में, 1853, हाँ 57 में, नहीं नहीं सत हाँ सॉरी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मैथ्यू तलेट ने फर्स्ट जो काम किया वो कॉमन मंड पे किया, उसके बाद प्रिवोस्ट आए, उन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे। उसके बाद पढ़ोगे लूज स्मट ऑफ वीट जो है वो होता है अस्टिलागो टेटिसाइस है। उसके बाद लिखेगा कि लूज स्मट ऑफ जो वीट होता है उसका सिम्टम कैसा होता है। तो आपको पढ़ने में कम से कम 2-3-4 मिनट लग जाएंगे। या पूछेगा कि इसमें कैसा ब्लैक चारकोल लाइक पाउडर होता है, तो आपको वहाँ पर पूरी लाइन में एक ही चीज़ पकड़नी होगी कि ब्लैक चारकोल लाइक जहाँ पर भी लिखा हो, तो समझ जाना कि आप किसकी बात कर रहे हैं, वो स्मट की बात कर रहे हैं। मतलब बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह सब उसमें क्वेश्चन में ही दे देगा वो, आप पढ़कर आ रहे हो समझ में नहीं आ रहा होगा आप क्या क्या सवाल पूछ लिया, क्या है क्या देंगे। तो आप जहाँ पर देखो ब्लैक चारकोल लाइक लिखा है पाउडर, समझ जाओगे यार स्मट पूछा है। या आप जहाँ पर भी देखोगे कि ग्रेन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है ब्लैक पाउडर में, आप समझ जाओगे किसकी बात कर रहा है, ये स्मट की बात हो। ये की पॉइंट्स होते हैं, आपको की पॉइंट्स याद रखना। आप जैसे ही पढ़ोगे ये डस्टी वाइट पाउडरी अपीयरेंस की बात समझ कर रहा है, आप समझ जाओ पाउडरी मिल्ड्यू है। आप जब भी देखोगे ये कॉटनी ग्रोथ की बात कर रहा है, तो आप समझ जाओगे डाउनी मिल्ड्यू है। तो की पॉइंट्स आपको याद रखना जो हम हमेशा बताते हैं। इसी तरीके से होता है एंथ्रेक्नोस, इसमें ब्लैक कलर के अल्सर लाइक लीजन, इसका की पॉइंट है अल्सर लाइक लीजन। जहां पर भी बात हो अल्सर लाइक लीजन अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं, चाहे वो फ्रूट पे, एंथ्रेक्नोज ऐसी डिजीज है फ्रूट पे भी आती है, लीफ पर भी आती है, स्टेम पे भी आती है, आपको सब जगह एंथ्रेक्नोज के सिम्टम मिलेंगे। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एंथ्रेक्नोज सिम्टम आपको कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होंगे, स्टेम, लीफ या फ्रूट, तो आंसर वहाँ ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। समझ रहे हैं? या जब भी पूछा जाए कि ब्लैक कलर के अल्सर लाइक लीजन किस डिजीज बनते हैं, ऑप्शन आपके पास होगा पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू या स्मट, तो वहां पर क्या होगा आंसर? हाँ, वहां पर आंसर हमेशा होगा एंथ्रेक्नोस, क्योंकि उसने अल्सर लाइक ब्लैक लीजन पूछे हैं, ब्लैक पाउडर नहीं पूछा उसने। पाउडर अगर पूछेगा तो आंसर हमेशा होगा स्मट, क्योंकि ग्रेन जो है ब्लैक पाउडर में बन जाता है। ये जो आपको एंथ्रेक्नोस अगर आप डिजीज आप देखेंगे ये फ्रूट्स में आपको मिलेगी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ये आपको आपकी जो ग्रैमनी कुल की या ग्रैमनी फैमिली डिजीज, वहाँ पर एंथ्रेक्नोस आपको कभी भी नहीं मिलेगी। आपको मैंने दो बताया, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं,
नोट किया सभी ने, स्मार्ट याद रखिएगा, चारकोल लाइक पाउडर या सूटी चारकोल लाइक पाउडर, और एंथ्रेक्नोज याद रखिएगा, ब्लैक अल्सर लाइक लेसन, ठीक है। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट, उसको हम बोलते हैं क्लोरोसिस। आपने पढ़ा होगा एग्रोनॉमी में इंटरवीनल क्लोरोसिस, ये क्लोरोसिस, ये सब तरीके का टर्म यूज होते हैं। सिम्टम है एक तरीके का क्लोरोसिस का, जो बेसिकली मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है येलोइंग। लीफ जो है वो येलो कलर की हो जाती है, जब भी लीफ येलो कलर की हो जाती है तो हम बोलते हैं प्लांट में क्या हो गया, क्लोरोसिस हो गया। पूछा भी जाता है क्वेश्चन क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, आप सिंपल की पॉइंट याद रखिएगा, क्लोरोसिस का मतलब येलोइंग। होता क्या है कि क्लोरोफिल जो है वो लीफ में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फंगस जब अटैक करती है तो सारा का सारा क्लोरोफिल जो है वो ख़त्म हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से प्लांट जो है वो किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। कभी कभी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाती है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, और धीरे धीरे आपका क्लोरोफिल कंटेंट जो है वो ख़त्म होने लगता है। तो लीफ और प्लांट जो है पूरा किस कलर का हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। या आप देख भी रहे हैं क्लोरोसिस येलो लीफ, येलो कलर की लीफ। इसके बाद आता है आपका विल्ट। विल्ट में बताते हैं कि जो प्लांट की रिजिडिटी होती है या हार्डनेस होती है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब लॉस क्यों होता है, क्योंकि जो है जाइलम एंड फ्लोएम ब्लॉक हो जाते हैं, किसकी वजह से, फंगस की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। बेसिकली विल्ट में होता ये है कि ये प्लांट है, ये जाइलम फ्लोएम, काम वही ट्रांसलोकेशन का, खाना नीचे पहुंचाना, पानी ऊपर ले जाना, यही तो करते हैं जाइलम फ्लोएम। तो फंगस क्या करती है, सॉइल में होती है, रूट के थ्रू एंटर हो जाती है और यहाँ पर आके जाइलम फ्लोएम को क्या कर देती है, बंद कर देती है। जाइलम फ्लोएम को बंद कर देती है तो जो है ट्रांसलोकेशन बंद हो जाता है, और जब ट्रांसलोकेशन बंद हो जाता है तो प्लांट जो है वो मुरझा जाता है। अगर आप इसकी देखेंगे, विल्ट की हिंदी देखेंगे आप, तो उसको बोलते हैं मुरझान। क्या बोलते हैं, मुरझान, कहते हैं पौधा, कहते नहीं पौधा जो है वो मुरझा गया। हाँ, उकठा, उकठा भी लिखा होगा किसी किसी बुक में। हाँ, तो मुरझान भी इसका जो, अगर आप देखेंगे गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे इसका डिक्शनरी मीनिंग जो है विल्ट का, वो है मुरझान, ठीक है। अब बाद में सर्च कर लेना क्या, हाँ विल्टिंग पॉइंट भी होता है, वो आगे बताएंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ रिजिडिटी या हार्डनेस, जहाँ पर भी टर्म आए प्लांट, तो समझ जाइए कि वहाँ पर किसकी बात हो रही है, विल्ट डिजीज़ की बात हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लेता है कि किस डिजीज़ में जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो टोटली ब्लॉक हो जाती है, तो आंसर होता है विल्ट। अभी आप इतने उससे बता रहे हैं विल्ट, कल हम खड़ा करके पूछ लेंगे कि बताओ किस डिजीज में जाइलम फ्लोएम टोटली ब्लॉक हो जाते हैं, एक भी नहीं बता पाएगा। तो क्या होता है, क्यों भूल जाते हूँ, क्या इससे सरल क्या होगा, जाइलम फ्लोएम ब्लॉक हो गए, जब जाइलम फ्लोएम ब्लॉक हो गए ट्रांसलोकेशन बंद हो गया, पौधे को पानी नहीं मिलेगा, नीचे रूट में खाना नहीं पहुंचेगा, तो पौधा मर जाएगा ना मुरझा करके। आप देख रहे हैं ना सामने, ये लीफ जो है वो हैंग डाउन लटक जाएंगे। टमाटर की फील्ड देखेंगे आप, विल्ट, टमाटो विल्ट अगर लग गई तो पौधा जो है वो आपको एकदम मुरझा जाएगा। चिली विल्ट होती है, कॉटन विल्ट होती है, बताइए मैंने ना आपको विल्ट के बारे में। तो याद रखिएगा, जब भी लॉस ऑफ रिजिडिटी या लॉस ऑफ हार्डनेस की बात हो, या जाइलम ऑफ ब्लॉकेज ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम हो, तो आंसर हमेशा वहाँ होगा विल्ट। इसको नोट कर लीजिए, क्या लाइको पर सिखाई,
नोट किया सभी ने? तो याद रखिएगा, जब भी येलोइंग की बात हो लीव्स की, क्लोरोसिस, और जब भी लॉस ऑफ हार्डनेस की बात हो या रिजिडिटी की बात हो या जाइलम फ्लोएम ब्लॉक हो रहे हो, समझ जाइए विल्ट डिजीज की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद आपका आता है डैम्पिंग ऑफ। क्या आता है? डैम्पिंग ऑफ मैंने शुरू में आपको बताया था, नर्सरी की सीरियस डिजीज है, वेजिटेबल्स में ज़्यादा होती है, ठीक है, और नर्सरी में आपकी सीडलिंग लगाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डेफिनेशन हो जाएगी डैम्पिंग ऑफ की, टॉपलिंग और या फॉलिंग ऑफ सीडलिंग। सीडलिंग का गिरना या टॉपलिंग होना, उसका भी मतलब गिरना ही हुआ, इसको हम बोलते हैं ये क्या है, डैम्पिंग ऑफ डिजीज। कौन सी डिजीज है? डैम्पिंग ऑफ। ये जो अब डैम्पिंग ऑफ भी दो तरीके की होती है, इसको अगर आप हो सके याद रखें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिएगा, प्री इमरजेंस मतलब इमरजेंस से पहले, पोस्ट इमरजेंस मतलब इमरजेंस के बाद। मतलब ये कि मान लीजिए ये आपकी सॉइल सरफेस है और ये सीड है, पहले प्लूमूल और रेडिकल निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? तो जब इमरजेंस से पहले पीथियम प्लूमूल और रेडिकल को ख़त्म कर दे तो उसको हम बोलते हैं ये है प्री इमरजेंस। दूसरी होती है ये, मान लीजिए ये सीड है, ये सॉइल सरफेस है, ये आपका प्लूमूल नीचे रेडिकल आ गया, यहाँ तक आप देख रहे हैं, और देखने के बाद ये सॉइल सरफेस पर फंगस अटैक करेगा और सीडलिंग जो है वो गिर जाएगी, फेल डाउन हो जाएगी, टॉपलिंग हो जाएगी। जैसी सीडलिंग गिर जाएगी तो उसको हम बोल देंगे ये है पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ, ठीक है। डैम्पिंग ऑफ किससे होती है? पीथियम किससे होती है? ओह, डर्माटा। डर्माटा कहाँ से आएगा जी? एंटमोलॉजी है। किससे होती है? पीथियम और एफेनिडर्मिटम। मैं हमेशा कहता हूँ बोला करिए सर, पीथियम, अरे जोर से बोलिए, पीथियम एफेनिडर्मिटम। बोलेंगे नहीं तो बेटा याद नहीं हो पाएगा। अंसिनुला का उंसिनुला कहोगे फिर आप लोग, क्या कहोगे? उंसिनुला, जबकि होता क्या है? अंसिनुला। इसलिए साथ में आप लोग भी बोला करिए। तो एक टर्म और पूछा जाता है, नेक्रोसिस। क्या पूछा जाता है? तो नेक्रोसिस याद रखिएगा, जब भी सेल की डेथ हो या टिश्यू की डेथ हो तो आंसर हमेशा होगा नेक्रोसिस। सिंपल टर्म में पूछते हैं नेक्रोसिस क्या होता है, व्हाट इज नेक्रोसिस? तो डेथ ऑफ सेल या टिश्यू इज कॉल्ड नेक्रोसिस। बहुत सारी बुक्स में दिया गया है, यही डेफिनेशन है और बहुत ईजी डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद रखना है कि नेक्रोसिस क्या होता है। सेल की डेथ या टिश्यू की डेथ को हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्या बात हो रही है पीछे है? इमरजेंस से
पहले जो सीडलिंग मर जाए वो प्री इमरजेंस, इमरजेंस के बाद जो सीडलिंग मरे वो पोस्ट इमरजेंस, सीडलिंग का फाइल डाउन होना टॉपलिंग होना कहलाता है, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग का गिरना कहलाता है, डैम्पिंग ऑफ सेल का मरना कहलाता है नेक्रोसिस, टिश्यू का मरना कहलाता है नेक्रोसिस। इसके बाद ठीक है नोट किया सभी ने, तो इसके बाद अब आता है आपका, आपने बहुत सुना होगा ब्लाइट, सुना है? इसके बाद आपका आता है ब्लाइट्स। ब्लाइट्स का मतलब होता है ब्राउनिंग ऑफ होस्ट प्लांट पार्ट। होस्ट का कोई भी पार्ट या प्लांट का कोई भी पार्ट जब ब्राउन कलर का हो जाए डिजीज की वजह से, उसको हम लोग बोलते हैं कौन सी डिजीज हो गई है, ब्लाइट हो गई, कौन सी डिजीज हो गई है। अब आपने अदली ब्लाइट सुना होगा, सुना है नहीं सुना है? और कौन सी ब्लाइट सुना है? लेट ब्लाइट तो सब जानते ही है ना। तो यहां पर वही लिखा है, देखिए अर्ली ब्लाइट मतलब ब्राउनिंग ऑफ फ्रॉम, यहां पे लिखा फ्रॉम सेंटर टू फॉर्मेशन ऑफ कंसेंट्रिक रिंग टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस। मतलब ये कि अगर ये आपकी लीफ है जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें जो ब्राउनिंग स्टार्ट होगी लीफ के बीच मतलब सेंटर से स्टार्ट होगी, और सेंटर से स्टार्ट होते होते कहां जाएगी, बाहर की तरफ मार्जिन की तरफ जाएगी। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं ये कौन सी डिजीज है, अर्ली ब्लाइट है, ठीक। और इसी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे ब्राउन, मान लीजिए अगर ये लाइट ब्राउन कलर का स्पॉट है तो डार्क ब्राउन कलर के अंदर क्या बने होंगे, रिंग, इनको हम बोलते हैं कंसंट्रिक रिंग। और जब ये कंसंट्रिक रिंग अंदर बन जाते हैं इस तरीके से, तो ये एक अपीयरेंस हमें मिलता है टारगेट बोर्ड लाइक। कैसे मिलता है ये, टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टारगेट बोट लाइक अपीयरेंस जो है वो किस डिजीज में पाया जाता है, ठीक है। तो किस डिजीज में पाया जाता है, अर्ली ब्लाइट, आपने सुना होगा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है, अल्टरनेरिया सोलेनाइस है। और कभी कभी ऑप्शन ऐसे पूछ लेता है इनमें से कौन सी फंगस जो है वो टारगेट बोट लाइक अपीयरेंस प्रोड्यूस करती है, तो आंसर हो जाएगा फंगस। पूछा है मैंने यार, क्वेश्चन तो समझो, इनमें से कौन सी फंगस टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस प्रोड्यूस करती है, तो आंसर हो जाएगा अल्टरनेरिया, क्योंकि अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट कॉज करती है, अर्ली ब्लाइट में टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस बनते हैं, समझ रहे बात को। तो याद रखिएगा जब भी टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस की बात हो या कंसेंट्रिक रिंग की बात हो तो आंसर हमेशा होगा वहां पर अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या कहीं कहीं इसको अल्टरनेरिया ब्लाइट भी लिखा रहता है, तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। टारगेट बोर्ड लाइक अपीयरेंस या कंसेंट्रिक रिंग अगर पूछा जाए ऑप्शन में, मान लीजिए अर्ली ब्लाइट और पोटैटो भी नहीं है, और आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई भी नहीं है, ऑप्शन में आपको मिल गया कोलेक्टोट्राइकम फैल्कटम या फाइटोफथोरा ब्लाइट, यह मिल गया अल्टरनेरिया ब्लाइट, तो आप ये कहो सर ने तो अल्टरनेरिया ब्लाइट पढ़ा ही नहीं कहीं, ये तो कहोगे अल्टरनेरिया ब्लाइट कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है कहीं, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, अल्टरनेरिया ब्लाइट लगाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर हम बोल रहे हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज्ड बाई अल्टरनेरिया सोलेनाई। इसी तरीके से मस्टर्ड में भी अल्टरनेरिया लगता है, तो वहाँ पर हम उसको अर्ली ब्लाइट नहीं बोलते हैं, वहाँ पर हम बोलते हैं अल्टरनेरिया ब्लाइट, और वहाँ पर भी टारगेट बोर्ड लाके अपीयरेंस होता है, वहाँ पर भी कंसंट्रेट रिंग बनते हैं। तो आप ये याद रखिएगा, अल्टरनेरिया हो
चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो, इसी से एसोसिएटेड है कंसंट्रेटिंग और टारगेट बोट लाइक। इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते। किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो तो पूछ ले, वो जो नए बच्चे हैं कहीं दिक्कत हो रही तो मेरी क्लास में हम सभी से कहते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, नोट किया। नोट किया सभी ने? तो याद रखिएगा, जब भी टारगेट बोट लाइक अपीयरेंस की बात हो या कंसंट्रेटिंग की बात हो, आंसर हमेशा होगा अर्ली ब्लाइट और पोटैटो, या अर्ली ब्लाइट और पोटैटो किससे होता है? अल्टरनेरिया, मतलब अल्टरनेरिया से जो भी डिजीज होंगी उसका भी आंसर क्या होगा? यही टारगेट बोट लाइक अपीयरेंस या कंसंट्रेटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया अर्ली ब्लाइट में क्या, सेंटर से स्टार्ट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, फॉरवर्ड की तरफ, मार्जिन की तरफ, तो जस्ट उसका उल्टा होता है लेट ब्लाइट। ये स्टार्ट होता है मार्जिन से, सेंटर की तरफ जाता है, अंदर की तरफ, बैकवर्ड की तरफ, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट हम तो पहचान जाएंगे, हमने आपको बता दिया, आप पहचान जाएंगे, आलू के खेत में जाएंगे, लेकिन फार्मर नहीं पहचान पाता है। फार्मर देखता है ब्राउनिंग हो रही है, अब अर्ली है कि लेट है। मैं हमेशा कहता हूँ सिम्टम जितने अच्छी तरीके से आपको पता होंगे उतनी अच्छी तरीके से आप मैनेजमेंट कर पाएंगे, क्योंकि लेट ब्लाइट की दवा अलग है और अर्ली ब्लाइट की दवा अलग है। तो आपको एज अ पैथोलॉजिस्ट पता होना चाहिए कौन एंथ्रेक्नोज है, कौन पाउडी मिल्ड्यू है, कौन डाउनी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट क्या है, लेट ब्लाइट क्या है, मेरे पता होना चाहिए चीज़ें, तभी आप दवा लिख पाएंगे, तभी प्लांट ठीक होगा, नहीं तो प्लांट मर जाएगा, खेत जो है वो तबाह हो जाएंगे, फार्मर घाटे में चला जाएगा, लॉस में, झुलस जाती हैं पत्तियाँ, झुलसा आ जाता है खेत में, देहाती भाषा में बोलते हैं गाँव की, झुलसा आ गया हमारी फील्ड में, पत्तियां झुलस गई सारी, पूरा का पूरा खेत ख़त्म हो गया। कौन बचाएगा झुलसे से किसानों को? किसानों को झुलसे से कौन बचाएगा? हम नहीं, आप लोग बचाएंगे, हम पैथोलॉजिस्ट हैं। अभी आप लोग राबे हैं, अभी राबे पे जाएंगे, आप लोग जाएंगे जाएंगे, राबे आबे होता है कि नहीं? राबे पे जाएंगे, हम लोग राबे पे जाते थे, तो राबे पे हम लोगों को जब बीएससी में थे हम लोग, तो फार्मर्स हम लोग के पास फील्ड में नहीं ले जाते थे, सीधा पौधा और ले आते थे पूरा उखाड़ करके, देखिए इसमें हमारी बीमारी लग गई है,
बताइए कौन सी दवा डालें। तो अब जिनको पता है वो बता देंगे, पैथोलॉजी पढ़िए बीएससी में जिनने थोड़ा बहुत भी ठीक तरीके से, अब जिनको नहीं पता है वो क्या बताएगा। जिनको नहीं पता है या जो नहीं बता पा रहे, बड़ा ख़राब लगता है कभी कभी कि यार बताओ, जिसके लिए बीएससी जी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम फार्मर्स का कल्याण हो वेलफेयर हो। अब जब सामने से आया लेकर के हम बता ही नहीं पा रहे हैं, बताओ कौन सी दवा डालें, कि सर पूरी फसल मरी जा रही है और पपीते भी बीच में मुन्ना हो गए थे, 10 एकड़ में एक फार्मर ने पपीता लगाया था, 10 एकड़ में बहुत बड़े लेवल पे पपीता लगाया था, तो उसने अपना सॉइल ट्रीटमेंट करा ट्राइकोडर्मा से, सोचा कि बीमारी बीमारी कोई आएगी नहीं, और पपाया में एक बीमारी लगती है फुट रॉट, फुट रॉट ऑफ पपाया, वो होती है पीथियम से ही होती है, वो भी पीथियम एफेनिडर्मेटम से होती है, तो वो बीमारी लग गई, उसके प्लांट्स काफ़ी बड़े हो गए थे, लगभग इतने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए थे पपीते के, बीमारी लग गई। और पीथियम की खासियत है, मैं आपको बताता हूँ कि पीथियम मान लीजिए सॉइल बोन फंजाई है, ये सॉइल सरफेस है, ये प्लांट है, पीथियम हमेशा यहाँ अटैक करता है, यहाँ अटैक करेगा, यहाँ के टिश्यू को एकदम से डिग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा, ऊपर वेट ज़्यादा होता है तो प्लांट जो है वो ज़्यादातर टॉपल डाउन हो जाता है, गिर जाता है, खासियत होती है। पीथियम का सिम्टम आपको जब भी अगर किसी फील्ड में पीथियम लगा प्लांट के यहाँ देखेंगे तो रॉटिंग हो गई होगी, यहाँ पर प्लांट जो है वो सड़ गया होगा। हाँ, ये बहुत एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पीथियम का। तो उसका बहुत पपीता सब बेकार हुआ जा रहा है, प्लांट सारे गिरे जा रहे थे, मतलब आधा लगभग बेकार हो गया था, वो बहुत लोगों से इनसे दवाई ले, उनसे फंजीसाइड ले, इनसे फंजीसाइड ले, कैसे वो डाले, कोई कार्बन डाइजिम उसको दे दे, कोई एक साफ आती है वो दे दे, एक मैट को, मतलब अलग अलग फंजीसाइड ले, लेकिन फील्ड पर जाने की उसको फुर्सत है, कौन से जो जितने भी ये बीज वगैरह बेचते हैं कौन फील्ड पर जाके देखता है, वो डिजीज़ ले करके जा रहे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। तो मेरे पास कॉल आई कि सर ऐसे ऐसे फील्ड जो है वो ख़त्म हो जा रही है, फार्मर लॉस में चला जाएगा, बीमारी देखे जाकर, हमने देखा जाकर के, हमने कहा इसमें आपकी पीथियम लगाए, तो हमने उसको फंजीसाइड लिखी, हमने कि इस पर मेटल एक्सिल लगाएगी, आप इसको डाल लीजिए कंट्रोल हो जाएगी। कहने लगा सर हमने बस यही दवा नहीं डाली है, बाकी हम सब डाल के देख चुके हैं, तो हमने इसको डाल के देख लीजिए, तो उसने डाली तो उसके आधे प्लांट मर गए थे, आधे प्लांट जो है वो बच गए, तो वो कुल मिला के ETL तक नहीं, वो ETL लेवल था, ETL जानते हैं, हाँ मतलब बच गया, उसको लॉस नहीं हुआ, वरना कई बार किसान लॉस में चले जाते हैं, तो उसने जो अपनी लागत लगाई थी जो भी प्लांट्स खरीदे थे वो बच गए, जो उसने इंसेक्टिसाइड फर्टिलाइजर जो भी खेत की पूरा एग्रोनॉमी थी तैयार करने में बच गया कुल मिला के वो। तो ये चीज़ें हैं कि कहने का मतलब लास्ट में मेरा यही है कि जो आप पढ़ रहे हो ऐसे पढ़िएगा कि वो किसी के काम आ सके, ऐसे नहीं कि BSc AG हैं कुछ पता ही नहीं है, BSc AG हैं तो कुछ तो पता होना चाहिए कि आप फील्ड पे जाएं और सरसों का पौधा लगाएं और लीफ तोड़ के आप देखें तो कहें ये एफिड है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि एफिड लगाएं, एफिड में आप ये दवा डाल लीजिए, तो ये पता होना चाहिए चीज़। इसके बाद आता है आपका रस्ट डिजीज़, रस्ट का अगर आप हम हिंदी उच्चारण देखेंगे इसका मतलब होता है जंग, लोहे पर जंग लग जाती है, जंग जंग वाली जंग नहीं, लड़ाई वाली जंग नहीं, लोहे की जंग, ठीक है, गेरुई भी लिखा रहता है, हाँ गेरुई भी लिखा रहता है, वैसे रस्ट का मतलब होता है जंग। तो ब्लैक ब्राउन भी होता है, येलो भी होता है, रेड भी होता है और वाइट भी होता है, तो जंग जो है वो तीनों चारों कलर की हो सकती है, येलो पांचों कलर की हो सकती है, ठीक है, आपने पढ़ा ब्लैक रस्ट पढ़ा आपने, येलो रस्ट पढ़ा, ब्राउन रस्ट पढ़ा, वाइट रस्ट आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, किससे होता है वाइट रस्ट, एल्बिगो कैंडिडा से होता है वाइट रस्ट, रेड रस्ट अभी आपको आगे बताएंगे। तो ब्लैक येलो रेड या वाइट रेस्ड कलर के रेस्ड जो है वो पॉस्टुल बन जाते हैं, कलर एड कर लीजिएगा, कलर के रेस्ड पॉस्टुल बन जाते हैं, रेस्ड पॉस्टुल का मतलब ये होता है, रेस्ड का मतलब होता है उठा हुआ, उठे हुए से इस तरीके से लीव्स अगर है तो इस तरीके के पॉस्टुल्स बन जाएंगे। तो आप ये की पॉइंट याद रखिएगा, जब भी रेस्ड पॉस्टुल्स की बात हो
रेज्ड पोस्टुल्स की बात हो तो समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, रस्ट की बात हो रही है। अब वो रेस्ट पोस्टुल अगर रेड हैं तो रेड रस्ट है, वाइट हैं तो वाइट रस्ट है, येलो हैं तो येलो रस्ट है, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन तो ब्राउन। लीप पे भी आता है, स्टेम पे भी आता है और फ्लावर पे भी आता है। तो ये आपका सिम्टम जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो हमने बता दिए, जो टर्मिनोलॉजी में पूछे जाते हैं आपके। तो किसी बच्चे का कोई सवाल हो, एक ही फील्ड में नहीं एक ही प्लांट पे भी आ सकती हैं। एक प्लांट पे एक साइड अर्ली ब्लाइट लगी है एक लीफ में, और दूसरी लीफ में लेट ब्लाइट लगी है, कभी कभी दोनों लीफ में आ जाती है। अब कंट्रोल के लिए आपको दोनों डबल डालनी पड़ेंगी, कार्बन डाइजिम भी आपको डालनी पड़ेगी, मेटल एक्सिल भी डालनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से क्या है कि बहुत सारी फंजी इंसेक्ट पेस्टिसाइड कंपनी है, उन्होंने कॉम्बिनेशन में फंजीसाइड बना रखी है, उसमें मेटल एक्सिल भी है उसमें कार्बन डाइजिम भी है। इसी तरीके से अगर आप जाएंगे मार्केट में, आप कहेंगे हमारे फील्ड में अर्ली लेट दोनों लगी हैं, तो आपको एक फंजीसाइड देगा उसमें दोनों होगी। नहीं वो तो सिस्टमिक फंजीसाइड है। क्या क्या लगा है? हाँ कोलेक्टोट्राइकम में आप कार्बन डाइजिम डाल सकते हैं, वो तो मैनेजमेंट में पढ़ाएंगे अभी आपको हम, कौन सी फंजाई पे कौन सी डिजीज पे कौन सी वो डालना है आपको, अभी मैनेजमेंट आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं आप हैं। प्लांटावेक्स स्मट के लिए, वीटावेक्स रस्ट और स्मट के लिए, जिनेब मिनेब जो आपके सब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड हैं, ये आपकी ब्लाइट्स के लिए जिनेब मिनेब यूज़ हो जाएगा, कॉपर फंजीसाइड है। और आपका रस्ट स्मट के लिए बहुत पूछा जाता है, रस्ट के लिए होती है प्लांटावेक्स, स्मट के लिए होती है वीटावेक्स, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, या हाँ बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ये मैनेजमेंट से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मट के लिए कौन सी हम यूज़ करेंगे, स्मट के लिए वीटावेक्स और प्लांटावेक्स रस्ट के लिए, ये आगे बताएंगे मैनेजमेंट अभी आपको पढ़ाएंगे आगे। और बताइए किसी बच्चे का कोई सवाल। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये लीफ रस्ट है, ये आपका स्टेम रस्ट मतलब ब्लैक रस्ट है, ये वाइट रस्ट है क्रूसीफेरस का मस्टर्ड का, रेड रस्ट भी होता है मैंगो में होता है टी में होता है और भी क्रॉप हैं उसमें बताएंगे आपको। अभी किसी बच्चे कोई सवाल हो, किसी को समझ में ना आया हो, सिर्फ पैथोजन की वजह से नहीं होता, कभी कभी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से भी हो जाता है। हाँ भाई तो हाँ हाँ मैग्नीशियम है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी की वजह से भी हो जाता है और कभी कभी पैथोजन की वजह से भी होता है, दोनों चीज़ें। बताइए। अरे आप पढ़ते होंगे ना इंटरवीनल क्लोरोसिस वगैरह, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने एग्रोनॉमी में, मैग्नीशियम की कमी से होता है इंटरवीनल क्लोरोसिस, कंप्लीट वीनल क्लोरोसिस, दो तीन होते हैं इस तरीके के, कंफ्यूज करते हैं आपस में, एक एमजी से होता है एक एमएन से होता है, एक कंप्लीट होता है शायद, हाँ हाँ तो ये इसको याद कर लीजिएगा। और बताइए। हाँ एक एमएन से होता है एक एमजी से होता है। किसी बच्चे कोई सवाल, किसी को समझ में ना आया हो, पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ पूछना है, करियर से रिलेटेड कुछ पूछना है, करियर से रिलेटेड कुछ है सवाल, किसी की कोई क्वेरी है, किसी को अपना रास्ता नज़र ना आ रहा हो कहाँ जाएं क्या करें इसके बाद क्या करें उसके बाद क्या करें, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, परेशान हो, कोई सवाल है किसी का, कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत में कोई बच्चा हो,
जितना हम पढ़ा रहे हैं पैथोलॉजी में, प्लांट साइंस में इतना बहुत है। जेआरएफ में प्लांट साइंस में ही पैथोलॉजी है और किसी में नहीं। अगर आप एग्रोनॉमी से तैयारी करेंगे तो उसमें पैथोलॉजी नहीं पूछी जाएगी, अगर आप एंटोमोलॉजी से तैयारी करेंगे उसमें पैथोलॉजी नहीं पूछी। प्लांट साइंस से तैयारी अगर आप करेंगे, प्लांट साइंस से आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको प्लांट ब्रीडिंग पढ़नी पड़ेगी, प्लांट पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। इतने सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे और यही सब्जेक्ट आपसे सिर्फ पूछे जाएंगे, वहाँ आपसे एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, फिजियोलॉजी सब कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर किसी को जेआरएफ की तैयारी करनी है तो पहले वो डिसाइड करे कि किस सब्जेक्ट से करनी है। सबसे ज़्यादा स्कोप जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग नंबर एक पे। अरे कौन कह रहा है एग्रोनॉमी, आज से 20 साल 15 साल पहले एग्रोनॉमी था। हाँ हम आपको बता रहे हैं, कभी भी आपके पास चॉइस, सबसे पहले जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, उसके बाद एंटोपैथो एग्रोनॉमी, ठीक है, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एक्सटेंशन, ये मेजर हो गए। उसके फिर माइनर फिजियोलॉजी है, सीड साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एनिमल हस्बेंड्री है, बहुत सारे हैं। क्या एंटोमोलॉजी प्लांट साइंस में नहीं आती है? एंटोमोलॉजी अलग अलग तैयारी होती है। पैथोलॉजी के लिए प्लांट साइंस से तैयारी करनी पड़ेगी, एंटोमोलॉजी के लिए आपको एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी से तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें आपको दो पढ़ने पड़ेंगे, एंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी। अब थोड़ा सा उन्होंने शायद एपी कल्चर और ऐड कर दिया, बात नहीं, एपी कल्चर ऐड कर दिया है, बात नहीं। आपस में पूछने लगे तो हम कह रहे हैं कुछ पूछना है तो हमसे पूछो, आप लोग पूछ ही नहीं रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी का कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? ठीक है, आइए फिर।